एपिसोड 491। अपने आप को उस जगह पर पाकर सब हैरान थे। विकी बोला, हम एकदम से यहाँ कैसे पहुंच गए? ये जगह वाकई में पाली है या कोई और जगह है? लग तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। जुल्मी ने कहा, ये पाली ही है, कोई और जगह नहीं है। हम तो बचपन से यहीं रहे हैं, क्यों छलावा भाई? छलावा ने कहा, हाँ ये पाली ही है और हम वापस लौट आए हैं। मुझे लगता है वहां पर जो विस्फोट जैसा कुछ हुआ था उसी के माध्यम से हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन वो कैसे हुआ? ध्रुव ने कहा, शायद हमें यहाँ वापस पहुंचाने के लिए, ये भी हो सकता है। जो हमें वहां तक लेकर गए थे उन्होंने ही हमें यहाँ पहुंचाया हो, लेकिन उनका काम खत्म हो गया इसलिए अब वो हमारे सामने आना जरूरी नहीं समझते हो। तारा बोली, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वैसे दोस्तों, हमने एक बहुत जरूरी फेज पार कर लिया है, अब सब कुछ बिल्कुल रिफ्रेश है हमारे माइंड में, तो तैयार हो अब? इतना कहते हुए तारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बाकी सब ने उसके हाथ पर अपना अपना हाथ रखा और बोले, बिल्कुल अब हम सब तैयार हैं पूरे तरीके से, अब कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमें क्या करना है हमें ये भी पता है, हमारा दुश्मन क्या है हमें ये भी पता है, और हमें ये सारा कुछ कैसे मैनेज करना है बस इसका सही तरीका ढूंढना होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये हम लोगों के लिए अब इतना मुश्किल होने वाला है। विकी बोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बातें हम घर जाकर भी कर सकते हैं, जल्दी घर चलो। ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इतने वक्त तक कहाँ थे, क्योंकि कई दिन कई रात गुजर गई हैं। छलावा ने कहा, तुम शायद भूल रहे हो विकी, जब हम पिछली बार समय यात्रा में गए थे तो कितने वक्त गुजर गए थे, लेकिन हम जब लौट कर आए थे तो हम उसी वक्त में लौट कर आए थे जिस वक्त से हम गए थे। विकी ने कहा, लेकिन इस बार हम समय यात्रा करके नहीं आए हैं छलावा, तुम भूल गए, हम यहीं पर थे। हाँ तरीके और चीजें रहस्यमयी जरूर थी, लेकिन वो समय को पार करना नहीं था। छलावा बोला, हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलकर देखें हमारी गैर मौजूदगी में पाली में क्या क्या हुआ है और हमारे लिए कैसे कैसे सवाल खड़े हुए हैं। सब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर घर की तरफ लौटने लगे थे। कई सारे सवाल और वापस आने की एक्साइटमेंट सबके चेहरे पर दिख रही थी। विकी ने ध्रुव से कहा, तो भाई इतने वक्त बाद अनन्या से मिलने को लेकर कितना एक्साइटेड है तू? ध्रुव ने कहा, उतना ही जितना एक दिन के लिए तारा अमरपुरा गई थी और तू एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए। ध्रुव की इस बात पर सब हंस पड़े और तारा शर्मा गई। विकी ने मुंह बनाते हुए कहा, तू किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकता? ध्रुव ने कहा, जब तू सीधा सवाल करेगा तो मैं सीधा जवाब भी दूंगा। अब तूने पूछा कितना एक्साइटेड है, तो ये तो इंसान तभी समझ सकता है ना जब उस दौर से खुद भी गुजरा हो। विकी बोला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वैसे एक चीज तो हम लोगों के दिमाग से निकल गई। एक्साइटमेंट से याद आया, तू क्या एक्साइटेड होगा अनन्या से मिलने के लिए? यहाँ एक्साइटेड तो कोई और है, बल्कि मेरे पास, मतलब जुल्मी के पास, तेरे और छलावा के लिए एक न्यूज है, एक गुड न्यूज। ध्रुव ने कहा, क्या? और जुल्मी तू किस बात को लेकर इतना एक्साइटेड है? इस सवाल पर जुल्मी बोला, हम नहीं बोलेंगे, हमको शर्म आता है। विकी हैरानी से बोला, कमाल है, तू तो ऐसे शर्मा कर लहरा रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन हो और दूल्हा उसका घूंघट उठा रहा है। इसमें शर्माने की नहीं, प्राउड करने की बात है। तारा ने कहा, क्यों उसको छेड़ रहे हो? छोड़ो मैं ही बताती हूँ, दरअसल जुल्मी सजनी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। छलावा बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसकी पत्नी है, इतने वक्त बाद मिल रहा है तो उतावला होगा ही। तारा ने कहा, नहीं सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने के लिए उतावला नहीं है वो, अपने बच्चे से मिलने के लिए भी उतावला है। ध्रुव और छलावा एक साथ बोले, बच्चा? छलावा ने हैरानी से सवाल किया, बच्चा कहाँ से आ गया? तेरे पास तो कोई बच्चा नहीं था, कब लेकर आया? विकी अपना सिर पीटते हुए बोला, ऐसा है तारा, ये दोनों ऐसे भले ही कितने भी समझदार हो, लेकिन इन मामलों में ना इनसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं है। छलावा बच्चा कहीं से लेकर नहीं आया जाता है, किया जाता है, ये कहीं से लेकर नहीं आया है, इंटरनेट से डाउनलोड भी नहीं किया है। बच्चे से मिलने से मतलब है सजनी प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है और जुल्मी पापा बनने वाला है, और इसलिए जुल्मी एक्साइटेड है सजनी से मिलने के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए। यही गुड न्यूज है जो हम तुम दोनों को देना चाहते थे। लेकिन तुम दोनों, कैसा अजीब सा रिएक्शन, गुड न्यूज का सत्यानाश कर दिया। ये सुनकर ध्रुव जुल्मी के गले लगकर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, कमाल है जुल्मी, तू तो बड़ा तेज निकला, इतनी जल्दी तूने मतलब शादी भी कर ली, बाप भी बन रहा है, मतलब हम सब में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तू, कमाल है भाई, बहुत बहुत बधाई हो तुझे, हमें बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद छलावा ने भी ध्रुव जुल्मी को गले लगाकर मुबारकबाद दी और जुल्मी बोला, अब जरा जल्दी चलो तो, हमें अपनी पत्नी से मिलना है। ध्रुव ने कहा,
हाँ हाँ सही बात है, जल्दी करो, अब तो हम सबको भी सजनी से मिलकर उसे मुबारकबाद देनी पड़ेगी। बात ही कुछ ऐसी है। गांव के भीतर पहुंचकर जुल्मी बोला, एक काम करते हैं, हम तो हमारे घर जा रहे हैं, तुम लोग भी जाओ। ध्रुव तुमको भी अनन्या जी से मिलना होगा, तो तुम जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं, अभी हम सबसे पहले जरा घर जाएं। ध्रुव ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, मिलना तो है मुझे अनन्या से, लेकिन सबसे पहले मैं सजनी से मिलकर उसे मुबारकबाद देना चाहूंगा। आखिर हमारी दोस्त है और तुम लोगों की जिंदगी का इतना बड़ा खुशी का मौका है, हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या होगा, क्यों दोस्तों? तारा ने कहा, ध्रुव बिल्कुल ठीक कह रहा है। और सब जुल्मी के घर की तरफ चल पड़े। वो जैसे ही जुल्मी के घर पहुंचे, उन्होंने देखा वैद्य जी बैठे हुए हैं, सजनी बेड पर लेटी हुई थी, वहीं पर अनन्या भी थी और जुल्मी के माता पिता के साथ साथ सजनी के घर वाले भी वहीं पर थे। इन सबको देखकर सब हैरान हो गए। अनन्या ने जैसे ही ध्रुव को देखा, वो इतनी खुश हो गई, इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसका दिल कर रहा था कि वो आकर ध्रुव को गले से लगा ले, लेकिन इतने सारे लोगों की मौजूदगी में वो अपने आप को काबू में किए खड़ी रही। जुल्मी घबरा कर बोला, ये क्या हो गया हमारी सजनी को, तुम ठीक तो हो सजनी, क्या बात है? जुल्मी की अम्मा बोली, अरे बिटवा, घबराने का कोई बात नहीं है, खुशी का मौका है, हम दादा दादी बनने वाले हैं, सजनी पेट से है। वो क्या हुआ ना, थोड़ा देर पहले चक्कर खाकर गिर गई, उसके बाद ये आंख नहीं खोल रही थी, हम लोग घबरा गए कि क्या हो गया, तो जल्दी से तुम्हारे बापू वैद्य जी को बुला कर ले आए, तब पता चला कि इतना बड़ा खुशखबरी है, हम तो अनन्या बिटिया को भी बुला लिया और सजनी के घर वालों को भी, खुशी का मौका है, सबने मिलकर बांटना चाहिए। लेकिन तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, सवेरे गए थे और शाम तक लौट भी रहे हो, तुम तो बोले थे कि काम धंधा की तलाश में जा रहे हो वहीं लोगों के साथ। ये सुनकर विक्की बोला, शाम तक, ये क्या कह रही है अम्मा, तुम लोग तो कह रहे थे कि ये समय यात्रा नहीं है तो समय ही रुका होगा, लेकिन ये तो कह रही है हम सुबह ही गए हैं और शाम को आ गए। ध्रुव ने कहा, मुझे लगता है वहाँ पर समय बहुत तेजी से गुजरा है, तभी तो सिद्ध पुरुष अभी तक शरीर से जवान थे, वहाँ के समय में और यहाँ के समय में मतलब घड़ी के कानों में बहुत अंतर है, जैसे इंडिया में और अदर कंट्रीज में होता है वैसा ही लॉजिक है। यहाँ चुप रहो, इस बात पर ज्यादा फोकस मत करो। और ध्रुव बोला, हाँ वो क्या है ना, हम जिस काम से गए थे वो हो गया है, अब देखते हैं कुछ दिनों में क्या जवाब आता है, तो फिर काम की शुरुआत होगी। जुल्मी भावुक होकर सजनी के पास बैठ गया और खुशी से बोला, हम तुमको बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। सजनी बोली, खुश तो ठीक है, लेकिन अब ये समझ लो कि अब ऐसे आवारा गर्दी करने से काम नहीं चलेगा, अब तुमको मेहनत से कोई काम धंधा करना पड़ेगा, अब जिम्मेदारी बढ़ रही है हम लोगों की। जुल्मी बोला, तुम चिंता मत करो, हम बहुत मेहनत करेंगे, देखना अब हम तुमको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। थोड़ी देर में जुल्मी के घर वाले जुल्मी और सजनी को दुआएं देकर चले गए। वैद्य जी भी वहां से जा चुके थे। जुल्मी की अम्मा बापू सजनी के घर वालों को बाहर तक छोड़ने गए थे और ये सभी दोस्त एक दूसरे के साथ ही खुशी के पल बांट रहे थे। अनन्या ध्रुव के पास आई और बोली, कैसा रहा सफर, और मुझे समझ में नहीं आया तुम लोग इतनी जल्दी आकर, अभी सुबह रात के टाइम पर ही तो तुम लोग गए थे। ध्रुव ने कहा, ये थोड़ा सा टाइमिंग का कुछ अलग सिस्टम है यहाँ और वहां में, क्योंकि वहां पर काफी दिन गुजर गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे, लेकिन जो भी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिस काम के लिए गए थे वो सक्सेसफुली हो चुका है। अनन्या एक्साइटेड होती हुई बोली, मतलब तुम सिद्ध पुरुष से मिल चुके हो? हम ना तो सिर्फ उनसे मिल चुके हैं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा जानकर आए हैं जो तुम सुनोगी तो शायद हैरान रह जाओगी, लेकिन ये वो समय नहीं है, सजनी की जो कंडीशन है उसमें हमें इस तरह की कोई भी बातें इसके आसपास नहीं करनी चाहिए। अनन्या ने कहा, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बल्कि अब तो मुझे लगता है हमें सजनी और जुल्मी को इन सब चीजों से दूर ही रखना चाहिए, कोई भी तनाव या कोई भी नकारात्मक चीज सजनी के इर्द गिर्द भी नहीं आनी चाहिए। विकी ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है अनन्या, लेकिन सबसे नकारात्मक व्यक्ति सजनी का ये पति, ये जो उसके इर्द गिर्द रहेगा उसका हम क्या करेंगे? जुल्मी चिढ़ता हुआ बोला, हम कोई नकारात्मक व्यक्ति नहीं है, नकारात्मक व्यक्ति हो तुम, दूर रहना हमारी सजनी से और हमारे बच्चे से, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे पर तुम्हारा जरा सा भी प्रभाव पड़े। वो कहते हैं कि जब औरत पेट से होती है तो आसपास जैसी चीजें और जैसे लोगों को देखती है बच्चे पर वैसा ही असर पड़ता है। विकी ने कहा, अच्छा तो एक काम करूंगा, सजनी तुम हमारे साथ ही चलो, हमारे घर रहने के लिए कहना, मेरे जैसे दिव्य पुरुष के सामने जब तुम रहोगी ना, आसपास मैं रहूंगा, तो देखना तुम्हारा आने वाला बच्चा बिल्कुल मेरी तरह दिव्य पैदा होगा, वैसे भी तुम हमारी बहन जैसी हो और आने वाला अपने मामा के इर्द गिर्द रहे तो अच्छा। जुल्मी बोला, हाँ कंस मामा। अनन्या हंसती हुई बोली, कितनी बेकार बातें कर रहे हो तुम दोनों,
सच में शर्म नहीं आती? अभी तुम लोगों को अच्छी बातें करनी चाहिए और तुम लोग यहाँ भी नोक झोंक कर रहे हो। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी हुई तो तुम क्या नाम रखोगे उसका, कुछ सोचा? सचनी बोली, अभी अभी तो हमको पता चला है कि हम पेट से हैं, अभी हम कैसे सोच लेंगे। जुल्मी ने कहा, लेकिन हमको बहुत पहले से पता है, हम सोच लिए हैं बेटी होगी तो क्या नाम रखेंगे और बेटा होगा तो क्या नाम रखेंगे। अनन्या हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता पहले से? तारा हंसती हुई बोली, सिद्ध पुरुष ने बताया था। अनन्या बोली, अच्छा तो बताओ क्या नाम रखोगे। जुल्मी बोला, हमारी बेटी हुई ना अनन्या जी, तो हम उसका नाम आपके नाम पर रखेंगे। हम चाहते हैं हमारी बिटिया आपकी तरह ही हो, हम उसका नाम अनन्या रखेंगे। और फिर धीरे से अपना सिर झुकाकर बुदबुदाता हुआ बोला, वो हमारे इर्द गिर्द रहेगी तो हमें आपका नाम हमेशा याद रहेगा, लगेगा जैसे आप ही मुस्कुराते हुए हमको देख रहे हो। अनन्या ने कहा, तुमने कुछ कहा? जुल्मी बोला, हम कह रहे थे कि लड़की होगी तो अनन्या और लड़का हुआ तो हम उसका नाम वसु रखेंगे। उसकी बात पर ध्रुव मुस्कुराते हुए जुल्मी की तरफ देखने लगा। वे लोग अभी आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि जुल्मी की अम्मा अंदर आई और ध्रुव से बोली, बेटा तुमको मनवा बाहर बुला रहा है, कह रहा था तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, वो बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मनवा की बुलाहट पर ध्रुव सोचने में पड़ गया और फिर बाहर निकल गया। उसने देखा मनवा सड़क के किनारे ही खड़ा था और ध्रुव उसके पास गया और बोला, मनवा भाई क्या बात है, अभी भीतर तुम मिले थे? मनवा ने कहा, जो बात करनी है वो भीतर सबके सामने नहीं कर सकता था। ध्रुव ने कहा, ऐसी क्या बात है, क्या कोई गंभीर बात है? मनवा बोला, पता नहीं गंभीर है या नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जरूरी है। एक औरत हवेली में रहने आई है, आज सवेरे हम आए भी थे तुम्हारे पास इस बात को लेकर, लेकिन पता चला तुम लोग शहर गए हो। ध्रुव ने कहा, तो होगी कोई सज्जन सिंह के रिश्तेदार या कोई भी? मनवा ने कहा, सज्जन सिंह के खानदान में कोई नहीं है सज्जन सिंह के अलावा, जो है भी वो जब इनके खानदान पर बंजारन का कहर बढ़ा था तो इन लोगों से अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे। और ठकुराइन के घर परिवार और ठकुराइन कहाँ से हैं इसके बारे में तो आज तक किसी को पता ही नहीं है, और क्यों नहीं पता है ये भी तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। उनके परिवार वालों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और सबसे अहम बात कि वो कोई साधारण इंसान तो नहीं है, क्योंकि सुमेर ठकुराइन और चेरी तीनों ही उससे बातें कर रही थी और वो मैंने सुनी। ध्रुव ने कहा, कैसी बात, क्या सुना आपने? मनवा बोला, देखो बहुत कुछ समझ तो नहीं पाया मैं, लेकिन वो लोग किसी द्वार के बारे में बात कर रहे थे। वो औरत कह रही थी कि कोई माध्यम चाहिए उसको जो उस द्वार को खोल सके, उस द्वार को खोलने से ही सबका भला है, कुछ इस तरीके की बातें कर रही थी। और सुमेर ने कहा कि वो जल्द से जल्द माध्यम ढूंढेगा। ये सुनकर ध्रुव की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। ध्रुव ने कहा, हे ईश्वर, माई की बात कर रहे हैं ये तो, इसका मतलब माई अब फिर से उस द्वार को खोलना चाहती है और किसी माध्यम की तलाश में है। एपिसोड 492, छलावा की जिम्मेदारी। मनवा से बात करने के बाद ध्रुव इतना तो समझ गया कि माई किसी माध्यम की तलाश में है, लेकिन अचानक से उस द्वार को खोलने का विचार कैसे आया ये ध्रुव की समझ से बाहर था। उसे अब जल्द से जल्द अपने दोस्तों से बात करने की जरूरत थी। ध्रुव ने मनवा से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनवा भाई, आप नहीं जानते आपने कितने काम की जानकारी दी है। बस ध्यान रखिएगा कि आप सतर्कता के साथ रहिएगा, आप किसी की नजर में मत आइएगा, और इस तरह की कोई भी बात अगर आपको समझ में आती है तो आप हमें बताइएगा, अगर जरूरत पड़े तो हमसे मिलिएगा भी नहीं। आप सजनी या जुल्मी से मिल लीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा, क्योंकि हमसे मिलना थोड़ा सा शक के घेरे में डाल सकता है आपको, लेकिन सजनी आपकी बहन और जुल्मी आपका बहनोई, तो उन दोनों से मिलना बहुत आम बात लगेगी। मनवा ने कहा, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनवा चला गया और ध्रुव भी वापस आया और अपने दोस्तों से बोला, दोस्तों बहुत जरूरी बात पता चली है, हमें बात करने की जरूरत है और मुझे लगता था हमें घर भी चलना चाहिए। अनन्या तुम्हें भी मुझे बहुत कुछ बताना है। सब जाने के लिए तैयार हो गए। ध्रुव ने जुल्मी से कहा, जुल्मी अब तुझे ज्यादा इधर उधर चमकने की जरूरत नहीं है, तू सजनी का अच्छे तरीके से ध्यान रख, और एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, अब तेरा इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ तू इमोशनल होकर चार डायलॉग मारेगा, लेकिन अभी तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सजनी और तेरा आने वाला बच्चा है, तो तू इनका ध्यान रख, और सजनी तुम भी अपना बिल्कुल ध्यान रखना, और ये जुल्मी की बेवकूफी में आकर ज्यादा गुस्सा मत करना, ज्यादा भाग दौड़ मत करना, और कोई भी जरूरत हो तो हमें बताना सजनी। सजनी और जुल्मी दोनों मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाकर रह गए और ये लोग तुरंत घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में चलते हुए ध्रुव ने अनन्या से पूछा,
तुम्हें भंवरी देवी को साथ लेकर आना चाहिए था ना, उन्हें अकेले छोड़ दिया है। पीछे से अगर कहीं सुमेर ने कुछ करने की कोशिश की होती तो, वैसे भी वो सुमेर पागल है। अनन्या बोली, अरे मैं कैसे उन्हें लेकर आती, वो तो चली गई। ध्रुव हैरानी से बोला, चली गई इतनी जल्दी, लेकिन कहाँ? अनन्या ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही तुम लोग निकले उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब प्रॉपर मॉर्निंग हो गई तो मैंने देखा भंवरी देवी कहीं निकलने के लिए तैयार बैठी हैं, और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो तैयारी करने जा रही हैं। तारा ने कहा, तैयारी, लेकिन किस बात की तैयारी? अनन्या ने कहा, भंवरी देवी ने जो बताया उस हिसाब से तो ये लगता है कि वो आने वाले समय में तुम लोगों की मदद की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना था कि इस तरह वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती, अपने आप को लाचार समझकर। तुम लोग उनसे कभी कुछ नहीं कहोगे, बल्कि तुम लोग हमेशा उनका आदर करोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस तरह लाचार होकर बैठे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी असीम शक्तियों के साथ बिताई है, और अब ऐसे बैठना उनके स्वभाव के विपरीत है, इसलिए वो तैयारी करने गई है। तारा बोली, समझ में नहीं आता, एकदम से ऐसे चली गई, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। ध्रुव ने कहा, फिक्र मत करो तारा, भंवरी देवी कोई बच्ची नहीं है, अगर वो गई है तो कुछ सोच समझ कर ही गई होंगी, अब लौट कर भी खुद ही आएंगी, हमें उनका इंतजार करना है। तारा ने कहा, हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी पहले भी वो कब आई है कब गई है इसके बारे में किसी ने जाना नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही तो आती जाती है। आई भी वो अपनी मर्जी से ही थी, और अब गई भी अपनी मर्जी से ही है। अनन्या बोली, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, कुछ ऐसा बता रहे थे ना जो सुनकर मैं हैरान रह जाऊंगी, आखिर ऐसा क्या पता चला है? ध्रुव ने कहा, यहाँ नहीं अनन्या, ये सही जगह नहीं है, घर चलो, शांति से बताता हूँ। जल्दी जल्दी घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के बाद विक्की बोला, सभा शुरू करने से पहले एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। ध्रुव ने कहा, बिल्कुल सही कह रहा है तू, मैं भी यही सोच रहा था, एक काम कर सबके लिए एक एक कप चाय तो बना ही ला, और साथ में देख ले खाने के लिए कुछ बिस्किट या नमकीन हो तो वो भी ले आना, वैसे भी शाम का टाइम हो रहा है, चाय के साथ नमकीन और बिस्किट खाने का मजा ही कुछ और है। विक्की बोला, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं चाय बनाऊं या ना बनाऊं, मैं कह रहा हूँ कि कोई बनाकर दे दे और बैठे बिठाए मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैं तुम लोगों से परमिशन नहीं ले रहा हूँ कि मुझे चाय बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अनन्या ने कहा, अभी चाय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है यार, तुम लोग होकर आए हो, लेकिन मुझे सब कुछ जानना है, प्लीज थोड़ी देर शांति से बैठो ना। विक्की बोला, नहीं, जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी मैं किसी को कोई बात नहीं करने दूंगा, तुम लोगों ने मुझे बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अनन्या चिढ़ते हुए बोली, फाइन मैं एक बाल्टी चाय बनाकर लाती हूँ, उसी से नहा लेना। उसके बाद अनन्या पैर पटकती हुई किचन में गई, और थोड़ी देर में सबके लिए चाय के साथ साथ नमकीन और बिस्किट भी ले आई। सभी मजे से बैठकर चाय की चुस्की लेने लगे, और अनन्या ध्रुव से सारी बातें जानने को उतावली हो गई। ध्रुव ने अनन्या को शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया। जैसे जैसे ध्रुव बताता जा रहा था वैसे वैसे अनन्या की आंखों में हैरानी के भाव बढ़ते जा रहे थे, वो हैरानी से ज्यादा रोमांचक हो रही थी। ध्रुव ने उन पांचों दरवाजों को पार करने से लेकर सिद्ध पुरुष तक पहुंचने से और उनको मुखाग्नि देने तक की सारी बातें अनन्या को एक एक करके बताई, और पूरी डिटेल में बताई जिसे सुनकर अनन्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनन्या ध्रुव छलावा को देखती हुई बोली, तुम दोनों सिद्ध पुरुष के बेटे हो, मतलब थे, मतलब हो, उन्हीं का अवतार हो, यकीन नहीं होता। ध्रुव ने कहा, हमें तो उस बात पर यकीन नहीं होता कि गिरपुर में जो कुछ भी हुआ था उसे रोकने वाले सिद्ध पुरुष ही थे, और तुम उन तक पहुंची थी, तुम उन्हें बुलाकर लाई थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है अनन्या? अनन्या लाचारी से बोली, नहीं कुछ भी नहीं जानती मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी जरूरी चीजें मुझे क्यों नहीं याद है। ध्रुव ने कहा, एनीवे इन सब में एक चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है, और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिद्ध पुरुष के मुताबिक उनका कोई एक साथी जो उन्हीं की तरह ताकतवर है, उन्हें यहाँ से भेजने में सबसे अहम रोल वही प्ले करेगा, और वो तुम हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्तियां हैं, और तो और तुम्हारी शक्तियां तुमसे छीनी ही नहीं गई हैं, बल्कि तुम्हें भुला दिया गया है, जिससे कि तुम चाहकर भी अपनी यादों को, अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, लेकिन है वो तुम्हारे भीतर, जैसे छलावा के भीतर ही था लेकिन उसे पता नहीं था, कुछ वैसा ही। अनन्या ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ध्रुव, छलावा को तो पता ही नहीं था, लेकिन जब पता चला तो उसकी शक्तियां जागृत हुई। मुझे तो पता है मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता मेरी शक्तियों के बारे में। तारा कुछ सोच कर बोली, मैं तुम्हें एक आसान एग्जाम्पल से समझाती हूँ। महाभारत के बारे में जानती हो? महाभारत में कर्ण के बारे में जानती हो? कर्ण ने जब धोखे से भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, और जब उन्हें कर्ण की सच्चाई पता चली थी,
दोनों ने कर्ण को श्राप दिया था कि जब कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी विद्याओं की होगी, वो अपनी विद्या भूल जाएगा। तुम्हारे साथ भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही कुछ है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी शक्तियों की, अब जब से तुम समझ चुकी हो सारी चीजों को, तब से तुम अपनी शक्तियों को भूल चुकी हो, ध्रुव ने कहा। तारा बिल्कुल ठीक कह रही है अनन्या, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें माई के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को पाना होगा। ध्रुव जितना बोला ही था कि सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। विकी बोला, ये तू क्या कह रहा है? ध्रुव ने कहा, हाँ ये सच है, मैं मानता हूँ मैंने अनन्या पर बहुत दबाव बनाया था, इसलिए अनन्या थोड़ी टाइम परेशान भी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अनन्या को अपनी शक्तियां अपने भीतर ही ढूंढने की जरूरत है, अनन्या ने कहा। लेकिन कैसे? ध्रुव ने कहा, जिस तरीके से मेरी शक्तियां आती गई छलावा की आती गई, शायद तुम्हारी शक्तियां भी वैसे ही आएंगी। अब जब हमें जरूरत पड़ी हमारी शक्ति आई, हमें याद आया उनसे कार्य क्या हो सकता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ, और इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है योग। तुम्हें मेरे साथ ध्यान में बैठना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, ढूंढो कुछ तो ऐसा जरूर होगा ना जो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को जमाने में मदद करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब तो स्पष्ट है कि तुम्हारी जरूरत है। अनन्या उन लोगों की बातें सुनकर कुछ सोचने लगी। विकी ने अनन्या को गौर से देखा और धीरे से ध्रुव के कान में बोला, मुझे लगता है ये सब सुनकर कहीं सदमे में तो नहीं चली गई, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे ऐसा लग रहा है कि तू इसे जबरदस्ती इन सब में फिर से झोंकना चाहता है, क्योंकि इसकी शक्ल को देखकर तो मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि ये इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहती है। ध्रुव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले भी इस चीज के लिए तैयार थी जब मैंने इसे माई से मिलने के लिए कहा था, बस ये समझने की कोशिश कर रही है कि इन सब चीजों को शुरू कहां से करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चीजों को अगर छोड़ दो या आगे की लाइफ में बढ़ जाओ तो पुरानी चीज को पिक करने में टाइम लगता है इंसान को। विकी बोला, इंसान को ना, लेकिन अनन्या तो, विकी इतना बोला ही था कि ध्रुव ने विकी को घूर कर देखा। विकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मतलब ये मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब, ध्रुव ने कहा, तेरे कहने का जो भी मतलब था, मेरे कहने का मतलब है कि जुल्मी यहाँ नहीं है, तो उसकी कमी पूरी करने की कोशिश मत कर। तारा ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? तुम देखो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, बस हमें जो पता चला है हम वही तुम्हारे सामने रख रहे हैं। अनन्या ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, दरअसल मैं तो यही कह रही हूँ कि बताओ कब से शुरू करना है। ध्रुव, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, और ये मैटर तो कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़ा हुआ है, तो इसके मामले में तो मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगी। ध्रुव ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अनन्या, मैं जानता था तुम चीजों को समझोगी। और अनन्या, ध्रुव एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। विकी ने तारा की तरफ इशारा किया और बोला, देख रही हो तारा? तारा बोली, मैं तो देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ देख रहे हो, समझ नहीं रहे हो। उन सब के बीच में छलावा ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों के दिमाग से एक बात निकल रही है। विकी ने कहा, कौन सी बात? छलावा बोला, सिद्ध पुरुष से मिलने जाने से पहले हम बंजारन की बात कर रहे थे, ध्रुव तुम्हें वहां जाना था, तुम देखना चाहते थे, और मुझे लगता है कि जैसा कि पूरन जी ने कहा था, उस वक्त वक्त सही नहीं था, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम वहां जाओ। तारा बोली, वो तो ठीक है छलावा, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, सिर्फ जाने से क्या होगा, तुम्ही ने कहा था ना कि अब सब कुछ हमारे सामने ही है और क्लियर है, लेकिन उसे अरेंज करना है। हमें कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए। ध्रुव बोला, वो तो है तारा, लेकिन एक बार हमें वहां जाना जरूर चाहिए, आखिर पता तो चले कि सुमेर ने ऐसी कौन सी जगह बनाई है जहां उसने बंजारन को रखा है, और बंजारन कर क्या रही है। हो सकता है वहां जाकर हमें कुछ समझ में आए कि हमें कहां से क्या स्टार्ट करना है, किसने कहा था हमें उस द्वार का इस्तेमाल करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत जल्द फिर से गिरपुर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पाली में जितने रहते हैं उन्हें तो समझे। ध्रुव की बात सबके समझ में आ रही थी और सही भी थी, सब पूरे तरीके से तैयार थे। ध्रुव ने छलावा से कहा, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम हमें बंजारन तक ले जाओगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अब तुम भी उन लोगों की नजर में खटक रहे हो, वो लोग समझ गए कि अब तुम उन लोगों की तरफ नहीं हो, तो तुम्हारा भी वहां जाना इतना आसान तो नहीं होने वाला है। छलावा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम सबको वहां पर सुरक्षित लेकर भी जाऊंगा और वहां से लेकर भी आऊंगा, बस तुम लोग तैयार रहो। ध्रुव बोला, हम तैयार हैं।
एपिसोड 493, ये लड़की। छलावा ने सभी को बंजारन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन वो ये काम कैसे करने वाला था ये वो खुद भी नहीं जानता था। छलावा सोच ही रहा था कि अब आगे उसे क्या करना है और कैसे करना है। इतने में तारा ने कहा, सोच लो छलावा, देखो मेरे कहने का यही मतलब है कि ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम ही बढ़ जाए और ध्रुव हम उसका कोई अल्टरनेट निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि सुमेर की हवेली से होते हुए वहां तक पहुंचना, अगर किसी की नजर में आ गए तो जो चीज चार दिन बाद शुरू होगी वो अभी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है लड़ाई। छलावा ने कहा, तुम चिंता मत करो तारा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तारा ने कहा, तो हमें भी बताओ। छलावा बोला, नहीं अभी नहीं, मैं चलता हूँ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ और फिर बताता हूँ कि मैं तुम लोगों को कब लेकर जाने वाला हूँ। ध्रुव ने कहा, लेकिन जल्दी, वक्त कम है, माई उस द्वार को खोलने की तैयारी में है, अगर उन लोगों को कोई माध्यम मिल गया, जो कि मिल ही जाएगा क्योंकि सुमेर जिस काम में उनका साथ दे रहा है, तो बहुत बवाल हो जाएगा, फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इन सबको कंट्रोल करना, क्योंकि एक बार अगर वो द्वार खुल गया ना, फिर समझो हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। विकी ने कहा, बात टेंशन की तो है ध्रुव, लेकिन एक चीज है जो तू शायद नहीं सोच रहा है। सोचना, जब गिरवर जैसा ताकतवर इंसान आसानी से द्वार को नहीं खोल पाया, तो अभी के टाइम में ऐसा और कौन हो सकता है। ध्रुव ने कहा, यही तो गलत सोच है, लेकिन तू नहीं जानता, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, और इंसान जितना महत्वाकांक्षी होगा उसके भीतर जितना लोभ होगा वो उतना ही बुरा काम करने के लिए तैयार रहता है। विकी बोला, ऐसे तो सबसे बड़ा पापी सुमेर खुद है, वो चाहे तो वो भी कुछ भी कर सकता है, उसे क्या जरूरत है किसी और को माध्यम बनाने की, वो खुद भी माध्यम बन सकता है और वो तो इन लोगों का भाई बंधु भी है। विकी इतना बोला ही था कि ध्रुव तारा दोनों हैरानी से विकी की तरफ देखने लगे। ऐसा ही कुछ हाल छलावा का भी था। विकी ने जब पाया कि वो सब उसकी तरफ घूर कर देख रहे हैं, तो वो सकपका गया और धीरे से अनन्या से बोला, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अनन्या ने कहा, क्योंकि जीवन में पहली बार गलती से ही सही, लेकिन तू ऐसा कुछ बोल गया है जो बहुत काम का साबित हो सकता है। विकी बोला, मुझे भी बताओ, मैंने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया है और इसके बदले में ये लोग मुझे इस तरह से डरा रहे हैं, बताओ ऐसी कोई किसी को देखता है क्या। अनन्या ने कहा, तुमने सही कहा है, सुमेर खुद इतना बड़ा पापी है, इतना ताकतवर है और इन सबसे उसका लेना देना भी है, वो खुद माध्यम बन सकता है। तुमने ये बात यूं ही बोली होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और ये दोनों भी यही सोच रहे हैं। ध्रुव ने कहा, बिल्कुल सही बात है, मुझे तो लगता है सुमेर कोई माध्यम ढूंढ रहा भी नहीं है, वो बस माई को बहका रहा है और कुछ समय बाद खुद माध्यम के तौर पर सामने आ जाएगा, क्योंकि समय कम रहेगा और माई को जल्द से जल्द कोई चाहिए होगा, तो ऐसे में वो सुमेर को भी इनकार नहीं कर पाएंगे। विकी ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई, सुमेर माध्यम बनकर क्या करेगा, उससे उसका क्या फायदा, एक द्वार को खोलने में अगर वो योगदान दे भी देगा तो उससे क्या हो जाएगा। ध्रुव बोला, तुझे शायद याद नहीं है, उस द्वार को खोलने के लिए जो माध्यम बनेगा वो अपने आप को पूरे तरीके से शैतान को सौंप देगा और शैतान उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, या यूं कह लो कि वो शैतान का प्रतिरूप बन जाएगा इस धरती पर, फिर उसके आगे बंजारन क्या और माई क्या, इतनी शक्तियां हासिल कर सकता है वो। ये सुनकर विकी हैरानी से बोला, अरे हाँ, और सुमेर का तो बचपन का सपना है शैतान का प्रतिनिधि बनना, बताओ लोगों के बचपन का सपना होता है डॉक्टर बनना, एस्ट्रोनॉट बनना, और सुमेर का सपना है शैतान का प्रतिनिधि बनना। ध्रुव बोला, बस इसीलिए हमें जल्द से जल्द एक बार बंजारन तक पहुंचना होगा, हमें देखना होगा कि वहां पर जो हो रहा है वो वास्तव में क्या है और वहां से हमारे लिए हमें क्या मिलता है, क्योंकि अगर हमने जल्द से जल्द ये सब शुरू नहीं किया तो फिर चीजें चलती रहेंगी। छलावा तू जा, तुझे जो करना है कर, लेकिन इन चीजों को जल्द से जल्द सॉल्व कर। छलावा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। छलावा के निकलते ही तारा बोली, ये क्या ध्रुव, मेरा मतलब तुमने एकदम से ऐसे छलावा पर सारी जिम्मेदारी डाल दी, उसकी जगह पर तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि हम मिलकर ये कर सकते हैं, तुमने तो एकदम से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, ये तेरी जिम्मेदारी है, अकेले वो कैसे क्या मैनेज करेगा। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर बिल्कुल शिकर नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर बहुत शांत सी मुस्कुराहट थी। अनन्या ने जब ये देखा तो वो बोली, ध्रुव तारा कुछ पूछ रही है, उसके बदले तुम सिर्फ मुस्कुरा रहे हो, जवाब दो, बल्कि ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुमने एकदम से छलावा पर सब कुछ डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया, तुम ऐसे तो नहीं हो, क्या बात है। ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, सही कहा तुमने, ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करूं, अभी हालात ऐसे हैं कि जिसकी जरूरत थी यही है कि सारी जिम्मेदारी छलावा पर डाली जाए और पल्ला झाड़ लिया जाए। ध्रुव की बातें किसी के समझ नहीं आ रही थी,
विक्की ने कहा, ये गोल गोल बातें घुमाना बंद कर, यहाँ पर हम पहेलियां बुझाने नहीं बैठे, सीधे से बता क्या मतलब है इसका। ध्रुव ने कहा, पहले तुम लोग बताओ अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो हमने कैसे मैनेज किया है। तारा ने कहा, काफी कुछ मिल बांट कर और जो बहुत इम्पोर्टेंट था, आउट ऑफ द बॉक्स था, वो तुमने निपटाया है। ऑफकोर्स वो तुम ही कर सकते हो, हम बस तुम्हारा सपोर्ट ही कर सकते हैं, लेकिन इसका छलावा से क्या लेना देना है। ध्रुव ने कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है छलावा भी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और वो रिस्पॉन्सिबल है। अभी जब तक कि वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, उस पर चीजें डालकर छोड़ी नहीं जाएंगी, ना तो उसकी शक्तियां जो है वो जागृत होंगी बाकी की, और ना ही उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। छलावा को मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, और इसके लिए हम दोनों की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। अगर किसी काम को दो लोग साथ में करते हैं तो एक धीरे करे एक तेज करे तो काम भी करता है, और मुझे पूरा यकीन है छलावा अपने हिसाब से रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। और बाकी देखते हैं, सपोर्ट करने के लिए मैं हूं ना, ये अलग बात है कि इस बारे में उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है या मिल सकता है, उसे यही लगना चाहिए कि उसे अकेले ही करना पड़ेगा। विकी तारीफ करते हुए बोला, कमाल की बात है, तू कितनी दूर का सोच लेता है, हमें लगा कि पता नहीं तूने अचानक छलावा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, लेकिन एक बात तो तुम्हें समझना चाहिए, आखिर अब ये दोनों भाई हो गए, अभी नहीं लेकिन कभी तो थे, और वो सारे इमोशंस फिर से ताजा हो गए। तो ध्रुव भला हम जैसे दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता तो छलावा का साथ कैसे छोड़ देगा। और एक चीज और है जो मुझे अब समझ में आ रही है, तारा ने कहा। क्या? विकी बोला, यही कि स्टार्टिंग से छलावा हमारा दोस्त बना, फिर हमारे बीच में बातें बिगड़ी, फिर से वो हमारे पास आया, फिर उसने हमें धोखा दिया, फिर वापस आया। इतने सब में हम सब छलावा से नाराज हुए, उसके अगेंस्ट हुए, लेकिन एक अकेला ध्रुव ऐसा था जो कभी उसके अगेंस्ट नहीं हुआ। वो हमेशा छलावा से पोलाइट ही बात करता था, उसको समझने की कोशिश करता था, उसकी मदद करने की कोशिश करता था, कभी भी उसके साइड से उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। शायद एक इमोशनल कनेक्शन ही था इन दोनों के बीच। ये सुनकर तारा बोली, हाँ वैसे ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे एक बात कहूं ध्रुव, मुझे ना छलावा से जलन हो रही है। ध्रुव हैरानी से बोला, क्यों छलावा से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हें जलन ही करना है तो किसी सुंदर लड़की से करो जो विकी के आसपास डोरे डाल रही हो, छलावा क्या करेगा। तारा बोली, देखो ना, अब तक ना पूरे हक के साथ कहती थी कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी बहन होने पर मुझे प्राउड फील होता था, लेकिन अब जब छलावा आ गया है और उसका कनेक्शन मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है तो मुझे बस यही लग रहा है कि कहीं। ध्रुव ने तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, बहन बहन होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और तुम मेरे लिए हमेशा स्पेशल रही हो और हमेशा रहोगी, तुम्हारी जगह तो कोई चाहकर भी नहीं ले सकता। ध्रुव को इस तरह इमोशनल होता देख तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। और ध्रुव एकदम सीरियस होकर बोला, तो तुम्हें क्या लगा ये डायलॉग बाजी मैंने सीरियसली की है? मैं भी मजाक कर रहा था। और उन दोनों की बात पर सब हंसने लगे। अचानक हंसते हुए ध्रुव सीरियस होकर बोला, बस छलावा कामयाब हो जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। उस पूरे दिन में सबके दिमाग में यही चलता रहा कि छलावा कैसे क्या करेगा, लेकिन दिन निकलता जा रहा था, न छलावा आ रहा था न छलावा की कोई खोज खबर। तारा ने एक दो बार ध्रुव से कहा भी कि छलावा के घर चलकर देखते हैं, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक दिया। दोपहर से शाम हो गई थी और शाम से रात, रात होने के बाद अब ध्रुव को भी फिक्र होने लगी थी, और इसलिए उसने सोचा कि छलावा के घर जाकर देखना ही पड़ेगा। ध्रुव और विकी दोनों ही छलावा के घर के लिए निकल गए, लेकिन उन्होंने देखा छलावा का घर बंद था। विकी बोला, उसका घर तो बंद है, तो छलावा कहीं हवेली तो नहीं गया? ध्रुव बोला, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, चलो वापस घर चलते हैं, अब जब आएगा तभी कुछ पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ छलावा मंदिर में बैठा हुआ था और अपनी सोच में गुम था। काफी देर बाद मंदिर की घंटी की आवाज बहुत जोर से आई और छलावा का ध्यान टूटा। छलावा ने देखा कि मंदिर के पट के बंद होने का समय आ गया था। छलावा भारी कदम से उठा और प्रणाम करके बाहर निकल गया। छलावा अपने मन में बोला, यहाँ बैठकर इतना सुकून महसूस हो रहा था, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ध्रुव ने तो कह दिया है कि मुझे ही करना है, मुझे पता भी है मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। छलावा अपने में बोलता हुआ मंदिर की सीढ़ियों से निकलकर आगे बढ़ गया था, तभी उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। छलावा ने पीछे पलटकर देखा तो वाकई में एक लड़की छलावा की तरफ देखते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। जीन्स के ऊपर ढीला ढाला कुर्ता पहने हुए, फ्लैट चप्पल और कानों में बड़ी बड़ी बालियां, आंखों में भरा हुआ काजल, चेहरे पर आते बालों की कुछ लटें जो हवाओं में उड़ रही थी। सांवली रंगत की वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी।
मंदिर से आती रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। छलावा कुछ देर तक तो उसे बस देखता ही रह गया, यहाँ तक कि वो अपनी पलकें झुकाना भी भूल चुका था। वो लड़की छलावा की तरफ चलते हुए आई और एक बार फिर खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, क्या बात है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपको अकेले बड़बड़ाने के अलावा पलकें नहीं झपकाने की भी बीमारी है। इतना कहती हुई वो अपना हाथ छलावा की आंखों के सामने हिलाने लगी। छलावा जैसे ध्यान से जागा हो और उस लड़की को देखकर हकलाते हुए बोला, जी मैं आप मेरा मतलब मैं वो। वो लड़की एक बार फिर हंसती हुई बोली, जी मैं आप, लेकिन आप कौन और आप इस तरह से बड़बड़ाते हुए क्या जा रहे थे? कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे, माफ कीजिएगा, मेरे से रहा नहीं गया और मेरी हंसी छूट गई। जब भी मैं किसी को ऐसे उटपटांग बातें करते हुए देखती हूँ ना, तो मैं अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं पाती। वैसे मेरा नाम रूप है, छलावा एकदम से बोला, और मैं रूपवान। रूप चौंकती हुई बोली, जी क्या कहा आपने? छलावा ने तुरंत अपने दांतों से अपनी जीभ को काटा और अपने मन में बोला, कैसी बात कर रहा था छलावा, कुछ भी बोल रहा है। और फिर तुरंत बोला, माफ कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब है रूप बहुत अच्छा नाम है आपका, मैं छलावा, मतलब मेरा नाम छलावा है। वैसे आप कौन? मैंने पहले कभी आपको पाली में तो नहीं देखा और आप यहाँ की लगती भी नहीं है, आप किसी के घर आई हैं? वो लड़की बोली, अभी घर आई नहीं हूँ, अभी घर आ ही रही हूँ। वो क्या हुआ ना, मैं बस से आ रही थी, बस गांव के बाहर ही मुझे उतार कर चली गई। बस वाले ने कहा कि रात ज्यादा हो गई है तो बस को पूरा घुमाकर फिर बाहर आना पड़ेगा, तो सड़क से गांव पास ही है, तुम पैदल चली जाओ। तभी मुझे मंदिर की घंटी की आवाज आई तो मैं समझ गई कि गांव वाकई में पास में है, तो मैं आ गई पैदल। छलावा बोला, अच्छा अच्छा, लेकिन आप किन के घर आई हैं? क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मैं यहाँ सबको जानता हूँ, तो आपको वहां तक छोड़ सकता हूँ। रूप ने कहा, आप मनवा को जानते हैं? छलावा ने कहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि मनवा की बहन सजनी और उसका बहनोई जुल्मी, जुल्मी तो मेरा बचपन का दोस्त है। आप मनवा भैया के घर आई हैं? रूप ने जवाब दिया, आई तो मनवा भैया के घर ही हूँ, लेकिन रहूंगी मैं सजनी दीदी के यहाँ। वो क्या है ना कि आज सवेरे ही फोन गया कि सजनी दीदी पेट से है और उन्हें मेरी जरूरत है कुछ टाइम के लिए देखभाल करने के लिए, तो मैं उनकी शादी में भी नहीं आ पाई थी, दरअसल मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने में कुछ वक्त उनके साथ भी रह लूंगी, इसलिए मैं आ गई। वैसे अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, ये लीजिए बैग पकड़िए, बहुत भारी है, मैं कब से उठाए चली आ रही हूँ, अब चलिए चलते हैं। इतना कहकर उस लड़की ने अपना बैग छलावा के हाथ में दे दिया और खुद आगे बढ़ गई। छलावा हैरानी से कभी बैग को देखता तो कभी जाते हुए रूप को देखता और बोला, कमाल की लड़की है। फिर मुस्कुराता हुआ अपने मन में बोला, लड़की तो वाकई कमाल की है। एपिसोड 494, हवा में गुम परछाई। छलावा के हाथ में रूप का बैग था जिसे थामे वो उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था और रूप उससे हजारों बातें करती जा रही थी। छलावा ने एकदम से कहा, वैसे रूप जी एक बात पूछूं, आप हमेशा ऐसे ही बातें करती हैं, मेरा मतलब है इतनी बातें करती हैं या किसी खास मौके पर ही इतना बोलती हैं आप? छलावा की बात पर रूप ने उसे घूर कर देखा। छलावा सकपका कर बोला, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रही हैं, मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ही वो खुश नसीब हूँ जिसके सामने आप इतनी बातें करती हैं या? रूप एकदम से बोली, मैं तो हमेशा ही बहुत सी बातें करती हूँ, वो क्या है ना, मेरा मानना है कि जो इंसान अपनी बातें मन में रखता है ना, वो बड़ा ही घाघ होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, और जो लोग अपनी सारी बातें बोलते हैं ना, उनका दिल साफ रहता है। तुमको अपना दिल साफ रखना चाहिए। अब बताइए, हम अपना घर साफ रखते हैं, आसपास का इलाका साफ रखते हैं, पर दिल जो सबसे जरूरी है उसे ये साफ नहीं रखे, ये तो गलत बात है, और मुझे तो वैसे भी हाइजीन का बड़ा ध्यान रहता है। छलावा धीरे से बोला, मुझे तो लगा कि आप सिर्फ मुझसे इतनी बातें कर रही हैं, लेकिन ये तो उसका स्वभाव है। मैं तो बेमतलब में ही खुश हो रहा था। रूप ने कहा, आपने फिर से कुछ कहा? मैंने फिर से देखा आप धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे, आप क्या धीरे धीरे बोल जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, जोर से बोलिए जो मुझे समझ में तो आए। छलावा बोला, नहीं मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था, आप कितनी अच्छी बातें कर लेती हैं, आज के जमाने में कौन इतनी अच्छी बात कर पाता है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। रूप ने कहा, हाँ वो तो है। उसकी बातों से छलावा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। चलते हुए गांव तक पहुंच चुके थे और जैसे ही सड़क पड़ी छलावा ने देखा सामने से ध्रुव और विक्की आ रहे हैं। उन दोनों को देखकर छलावा हैरान रहकर अपने मन में बोला, ये लोग इस वक्त कहां से आ रहे होंगे,
मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा और मैं खुद मंदिर जाकर बैठ गया और अब मैं रूप के चक्कर में भूल ही गया कि मुझे करना क्या था। ध्रुव और विकी तब तक छलावा के नजदीक आ गए थे। रूप ने जब देखा कि छलावा रुक गया है तो वो भी रुक गई और विकी की तरफ देखकर बोली, ये दोनों कौन है, आपके दोस्त हैं? छलावा ने कहा, हाँ ये दोनों मेरे दोस्त हैं, ये ध्रुव है और ये विकी है। विकी बड़ी बड़ी आंखों से रूप की तरफ देखकर फिर छलावा को तिरछी नजर से देखता हुआ बोला, और ये कौन है, हमें भी तो बता। रूप बोली, ये खुद ही मुझे नहीं जानते तो आप लोगों को क्या बताएंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं रूप हूँ, सजनी दीदी की बहन, मामी की बेटी, दरअसल उन्हीं के घर आई हूँ। विकी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। वैसे छलावा, तूने हमें बताया नहीं कि तू सजनी की बहन को लाने जा रहा है और हम तेरे घर गए थे तुझे ढूंढने के लिए, तू सुबह से निकला हुआ है क्या? छलावा ने कहा, नहीं नहीं, वो मैं तो मंदिर से आ रहा था तो रास्ते में ये मुझे मिल गई, तो बस इसलिए हम साथ आ गए, मैं मंदिर में था। विकी ने कहा, अच्छा, नहीं वो तेरे हाथ में इनका सामान वगैरह है ना, तो मुझे लगा कि। ध्रुव ने रूप से कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, छलावा तू जा, इन्हें घर छोड़ दे, हम कल सुबह मिलते हैं। छलावा बोला, ठीक है। इतना कहकर छलावा रूप को लेकर आगे बढ़ गया और विकी पीछे से ध्रुव से बोला, कमाल का आदमी है, यहाँ हम इसके लिए परेशान हो रहे हैं, इसे ढूंढ रहे थे और ये लड़की को घुमा रहा है, लड़की की नजर में स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, उसका सामान ढो रहा है। ध्रुव ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, मेहमान है, उसे रास्ता नहीं पता होगा, उसकी मदद कर रहा है, और वैसे भी तो ये लड़की अकेले रात के वक्त आ रही थी, ये तो अच्छी बात है कि छलावा उसको घर तक छोड़ देगा, चल सुबह देखते हैं। विकी ने कहा, ये प्रॉब्लम है तेरी, तू ना हर चीज को इतने लाइट वे में लेता है ना, इसीलिए कोई तेरी वैल्यू नहीं करता, तेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता कोई, देख लिया छलावा ने भी तेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। ध्रुव हंसते हुए बोला, सीरियस होके करना भी क्या है, सीरियस होकर सिर्फ हॉस्पिटल जाया जाता है। विकी ने कहा, हाँ हाँ मजाक उड़ा ले मेरा। छलावा ने जब दूर से ही देखा कि पंचायत भवन आने वाला है तो रूप से बोला, रूप जी आप अभी मनवा भैया के यहाँ जाएंगी या सीधा सजनी के यहाँ जाएंगी? रूप ने कहा, नहीं मैं अभी सजनी दीदी के यहाँ जाऊंगी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उनसे मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ, आपको पता भी है मैं कितने वक्त बाद उनसे मिल रही हूँ। छलावा हंसते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं पता। रूप बोली, इसीलिए आप नहीं समझ सकते कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, खैर कोई बात नहीं, अभी आप जल्दी चलिए। छलावा जुल्मी के घर की तरफ बढ़ गया। जल्द ही जुल्मी का घर आने वाला था और छलावा का मन कर रहा था रूप से बात करने का, लेकिन वो उससे क्या बात करता उसे पता नहीं। तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने कहा, आप जिस तरीके से सजनी और मनवा भैया की करीबी रिश्तेदार हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा पाली में, आप कभी यहाँ आई नहीं है क्या? रूप ने कहा, एक बार आई हूँ, बहुत छोटी थी उस वक्त मैं, लेकिन बस एक दिन के लिए आई थी और फिर उसके बाद से आना ही नहीं हुआ, पढ़ाई के चक्कर में कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी कुछ और बीच में सजनी दीदी आ जाती थी तो मिलना हो जाता था, लेकिन देखिए अब मौका भी लगा है और शायद किस्मत भी चाहती थी कि मैं पाली आऊं तो आ गई। छलावा ने कहा, हो सकता है कि किस्मत भी चाहती हो कि आप किसी खास से मिले। रूप ने कहा, जी क्या मतलब है? छलावा ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि आपका आने वाला भांजा भांजी वो खास है ना, तो किस्मत चाहती है कि आप उससे मिले, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आई है, शायद आप दोनों की किस्मत आपको मिलवाना चाहती हो। रूप हंसती हुई बोली, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तब तक सजनी और जुल्मी का घर आ चुका था। रूप ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद जुल्मी उबासियां लेते हुए दरवाजे पर खड़ा था। उसने जैसे ही छलावा के साथ रूप को देखा तो उसकी नींद एक मिनट में फुर हो गई और उसने सजनी को आवाज लगाकर कहा, सजनी जल्दी आओ, देखो तुम्हारी बहन आ गई। रूप ने हैरानी से कहा, अरे वाह आप तो मुझे पहचान गए, लेकिन आप तो मुझसे मिले भी नहीं, मुझे लगा था कि आप मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। जुल्मी अपने बालों पर हाथ करता हुआ बोला, पूरा पाली में सबसे स्मार्ट हम हैं और मोबाइल फोन चलाने में सबसे ही ज्यादा जानकार हम ही हैं। हम देखे थे तुम्हारा फोटो फोन में, सोशल मीडिया पर बहुत फोटो डालती हो, वहाँ हम तुम्हारा सारा फोटो देखे हैं और सजनी को भी दिखाए हैं, इसीलिए हम तुमको झट से पहचान गए। तब तक सजनी भी आ चुकी थी। रूप घर के भीतर आई और सजनी के गले लग गई। कुछ देर के बाद रूप ने सजनी और जुल्मी से कहा, छलावा मिल गए थे और वो बड़े आराम से मुझे यहाँ तक ले आए, वरना मुझे तो आपका घर ढूंढना पड़ता और रात के वक्त तो पता नहीं कोई मिलता भी या नहीं रास्ते में, यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं, हमारे शहर में तो अभी तक लोगों का खाना भी नहीं हुआ रहता है। सजनी ने कहा, लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये हमारा गाँव है, यहाँ लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं और उनका हर काम समय पर होता है। रूप ने कहा, ये बात तो है, गाँव की तो बात ही अलग है।
और फिर उसने देखा छलावा अब तक खड़ा रूप को देख रहा है। रूप ने कहा, ठीक है छलावा जी, तो हम बाद में मिलेंगे, अब रात बहुत हो गई है, आपको भी अपने घर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। छलावा रूप को देखता हुआ बस मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाता रह गया, लेकिन वहां से हिला नहीं। रूप एक बार फिर से बोली, ठीक है छलावा जी, तो मिलते हैं फिर। छलावा बोला, जी मिलते हैं, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ा था। सजनी छलावा के पास आई और उसका कंधा हिलाते हुए बोली, छलावा भैया, इसके कहने का मतलब है कि अब तुम घर जाओ, हम लोग भी सोने जा रहे हैं। छलावा शर्मिंदा होता हुआ बोला, अब माफ करना, मैं बस जा ही रहा था। इतना कहकर छलावा निकल गया, लेकिन दरवाजे तक जाते जाते भी वो बार बार रूप को पलट कर देख रहा था। जुल्मी, जो इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था, उसने सजनी से कहा, सजनी तुम रूप को ले जाओ, अम्मा बापू से मिलवाओ और उसको खाना खिलाओ, हम जरा छलावा को बाहर छोड़कर आए। अरे वो हमारी साली को यहाँ तक छोड़ने आया है, तो हम भी तो उसको धन्यवाद बोल दे। सजनी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, आओ रूप, हम तुमको अम्मा बापू से मिलवाते हैं, वो भी तुम्हारा राह देखते देखते सो गए थे। छलावा जो बाहर पहुंचा ही था, और जुल्मी ने उसे आवाज दी, रुक जाओ छलावा। छलावा एकदम से रुक गया और बोला, जी रूप जी। जुल्मी बोला, रूप जी नहीं, रूप जी के जीजा जी, जुल्मी जी। छलावा ने कहा, हाँ मतलब तू बोल। जुल्मी बोला, क्या चक्कर है? छलावा अनजान बनता हुआ बोला, कैसा चक्कर, कुछ भी तो नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। जुल्मी ने कहा, ऐसा है, तुम लोग हमको जितना बुद्धू समझते हो, हम उतना है नहीं, हमारा शादी भी हो गया, अब हम बापू भी बनने वाले हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये जो तुम कर रहे हो, ये रूप जी और पीछे पलट पलट कर देखना और इस तरह से शर्माना और लहराना, हमको बुद्धू ना समझो, हम सब समझ गए हैं। छलावा इधर उधर देखता हुआ बोला, कैसी बात कर रहा है, क्या समझ रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अब तेरी मेहमान है, तो एक तरीका होता है, एक सम्मान होता है, फालतू बात कर रहा है। इतना कहता हुआ छलावा बड़े बड़े कदमों से वहां से चला गया। जुल्मी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और जुल्मी ने कहा, ऐसा है छलावा भाई, जिस रास्ते से तुम गुजरने का कोशिश कर रहे हो ना, उस रास्ते पर हम बहुत पहले से चल चुके हैं, इस मामले में तो हम तुम्हारा मास्टर हैं, तुम मानो या ना मानो, गलत है भी नहीं, हम तुमको भी बहुत अच्छे से जानते हैं और वो भी अच्छी लड़की है, जब तक तुम दोनों आपस में बात आगे नहीं बढ़ाओगे, हमको क्या करना है, आज ही तो मिले हो। छलावा रूप के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंच चुका था और अपनी खाट पर लेट गया था। खाट पर जैसे ही वो लेटा कि तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, एक बार फिर मैं रूप की वजह से भूल गया कि मुझे क्या करना था, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ ही घंटों में मैं कई बार अपने मकसद को भूल चुका हूँ। नहीं नहीं छलावा, लड़की और भावनाएं एक तरफ, लेकिन इन सब के चक्कर में आकर तू अपने मकसद को नहीं भूल सकता, नहीं तो बाद में क्या जवाब देगा ध्रुव को। ध्रुव, जिसने आज तक कभी भी अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्य से ऊपर नहीं होने दिया, तू बस कुछ ही घंटों में बह गया। छलावा उसी वक्त हवेली जाने के लिए निकलने लगा। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे को खोलकर बाहर आया, उसे लगा जैसे कोई तेजी से वहां से झाड़ियों में छुपा है। ये चीज छलावा को बड़ी अजीब लगी। छलावा ने उस तरफ देखते हुए कहा, कोई है क्या? लेकिन आवाज नहीं आई, तो छलावा को एक सेकंड के लिए लगा कि कहीं ये चेरी सुमेर तो नहीं, लेकिन फिर जब उसे दोबारा कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम हो सकता है, हवा की वजह से कोई पत्तों में सरसराहट हुई है, और छलावा ने घर बंद किया और तुरंत आगे बढ़ गया। कुछ कदम आगे जाकर छलावा को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो बोला, कमाल की बात है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आसपास है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। ये सिलसिला हवेली तक चलता रहा। छलावा को बार बार महसूस होता, वो बार बार पीछे देखता और हर बार उसे कोई नजर नहीं आता। छलावा हवेली के भीतर जा चुका था और छलावा के हवेली के भीतर जाते ही पेड़ की आड़ में छुपे हुए एक परछाई जैसी बाहर निकली, जो लगातार हवेली के गेट की तरफ ही देख रही थी। वो भी छलावा के पीछे चलती हुई हवेली के गेट तक तो पहुंची, लेकिन गेट के पास पहुंचकर जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। छलावा भीतर जाकर चारों तरफ ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो पूरे तरीके से तैयार था कि अगर उसका सामना चेरी सुमेर या ठकुराइन किसी से भी हो तो उसे क्या करना है, लेकिन घबराहट तो हो ही रही थी। एपिसोड 495, जहां बंजारन है। छलावा हवेली पहुंच तो गया, लेकिन उसे घबराहट तो हो ही रही थी।
वो जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ा, किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। छलावा एकदम से घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा सामने चेरी खड़ी थी और उसे हैरानी से देख रही थी। चेरी को देखकर छलावा बोला, तुम हो? चेरी ने छलावा को घूरते हुए कहा, कहाँ हो तुम, मैं जान सकती हूँ? कोई पता ही नहीं है तुम्हारा, आखिर चल क्या रहा है? छलावा ने कहा, तुम्हें तो पता ही है ना किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया था, उन्हीं सब चक्रों में मेरे साथ क्या कुछ हो गया। ये सुनकर चेरी हैरानी से छलावा को सिर से पैर तक देखती हुई बोली, हाँ और मैं हैरान हूँ ये देखकर कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम इतने इंजर्ड थे, तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, ये भी किसी जादू जैसा ही लगता है। छलावा ने कहा, हाँ जादू ही तो है, और फिर ध्रुव ने कहा भी था कि जैसे ही वो काला जादू मेरे ऊपर से खत्म होगा उसका सारा प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है ये इसी वजह से हुआ है कि मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है एकदम से मेरे सारे दर्द चले गए, सारे सब कहीं गायब हो गए, सब कुछ सच में जादू जैसा है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी कमजोरी से महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे लगा तुम आओगी मुझसे मिलने, लेकिन तुम आई ही नहीं, तुम्हारा इंतजार करता रहा मैं, और आखिर देखो मुझे भी तुम्हारे पास आना पड़ा, मुझे लगा तुम मुझे बिना बताए लौट तो नहीं गई। चेरी छलावा को बस घूर रही थी। छलावा ने कहा, क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। चेरी बोली, नहीं वो मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सुमेर से कहा था तुम्हारे बारे में मालूम करें तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन उसने आकर कहा तुम अपने घर पर नहीं थे, तो पता चला कि तुम विकी के घर की तरफ जाते हुए देखे गए थे। उसके अगले दिन तुम पूरा दिन ही कहीं नहीं दिखे। छलावा ने कहा, हाँ तुम तो जानती ही हो ध्रुव मेरी मदद कर रहा था, तो इसीलिए मैं उसी के पास था और अपनी परेशानी का समाधान ढूंढ रहा था, लेकिन अब सब ठीक है और अब बस एक चीज है जो मुझे मालूम करनी है। चेरी ने पूछा, वो क्या? छलावा बोला, यही कि मुझ पर काला जादू किया तो किया किसने, और उस पर ऐसा करके किसको क्या फायदा मिलेगा। ये सुनकर चेरी सकपका गई और बोली, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, तो इन फालतू की चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ। छलावा बोला, हाँ वैसे तुम ये बात तो ठीक कह रही हो, वैसे सुमेर कहाँ है? चेरी ने कहा, सुमेर पाली से बाहर गया हुआ है किसी काम से, एक दो दिन में लौट आएगा। छलावा इधर उधर देखता हुआ बोला, ठकुराइन भी कहीं नजर नहीं आ रही। चेरी ने कहा, वो सो गई होंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ। छलावा ने कहा, मैंने कहा ना मैं तुम्ही से मिलने आया था, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, अचानक सुमेर चला गया कहीं बाहर, ऐसा भी क्या काम आ गया, तुम्हें तो पता ही होगा। चेरी ने कहा, हाँ शायद वो अपने पॉलिटिकल लोगों से मिलने गया है, वैसे मुझे भी कुछ खास बता के नहीं गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ मैं तुमसे कल तुम्हारे घर पर मिलूंगी। छलावा बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आगे का कुछ समाचार है जो तुम मुझे देना चाहो? चेरी ने कहा, फिलहाल तो नहीं, जब ऐसा कुछ होगा तब तुम्हें बताऊंगी, अभी तुम यहाँ से जाओ। छलावा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो धीरे धीरे वापस अपने कदम गेट की तरफ बढ़ाने लगा था, क्योंकि उसे वापस लौट कर आना था। उसने पीछे पलट कर देखा तो चेरी अपने कमरे में लौटने लगी थी। छलावा जैसे ही गेट के पास पहुंचा, उसने देखा चेरी कमरे का दरवाजा बंद कर चुकी है। छलावा वापस अंदर की तरफ बढ़ने लगा, तभी दरबान ने कहा, अरे छलावा क्या हुआ, कहाँ जा रहा है फिर से? छलावा ने कहा, कुछ सामान गिर गया मेरा, बस वही देखने जा रहा हूँ। दरबान ने मजाक करते हुए कहा, तेरे पास ऐसा कौन सा हीरे मोती है जो गिर गए? छलावा हंसता हुआ बोला, हीरे मोती नहीं है भैया, लेकिन जो है वही बहुत कीमती है, दरअसल मेरा 100 का नोट गिर गया है, ये रुमाल निकाल रहा था ना, तो लगता है वही गिर गया होगा भीतर। इतना कहता हुआ छलावा वापस अंदर की तरफ आ गया और बैठक वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जहां से होते हुए कोई ऐसा अदृश्य रास्ता था जिसके माध्यम से सुमेर ने बंजारन को रख रखा था। छलावा जैसे ही बैठक वाले कमरे को पार करके गलियारे में पहुंचा, उसे चेरी की आवाज आई, छलावा तुम यहाँ? छलावा के बढ़ते कदम थम गए, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। छलावा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में बोला, मुझे तो लगा था ये अपने कमरे में जाकर सो गई है, कितनी बड़ी जासूस है, अब मैं क्या करूं? छलावा धीरे से पीछे पलटा और बोला, हाँ वो मैं सोच रहा था एक बार जाकर देखूं वहां सब ठीक है या नहीं। चेरी ने कहा, तुम आओ मेरे साथ। छलावा ने देखा चेरी उसे लेकर हवेली के पीछे की तरफ बढ़ रही है। छलावा हैरानी से बोला, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, ये तो हवेली के पीछे का हिस्सा है, इस तरफ हम क्यों जा रहे हैं? चेरी ने कहा, सवाल जवाब मत करो, आओ मेरे साथ। छलावा चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ने लगा। हवेली के पीछे जाकर चेरी रुक गई और उसने छलावा को बाहर की तरफ दिखाते हुए कहा, वो देखो। छलावा ने देखा हवेली के गेट से सुमेर भीतर की तरफ आ रहा था। सुमेर को अचानक देखकर छलावा हैरान भी था और ये देखकर और ज्यादा हैरान कि चेरी ने उसे सुमेर की नजरों से दूर क्यों किया, जबकि चेरी ने खुद कहा था कि सुमेर कुछ वक्त के लिए बाहर गया है।
तो सुमेर के ऐसे अचानक लौटने का कारण नहीं बनता था। चेरी ने कहा, अब समझ में आया मैं तुम्हें इस तरफ क्यों लेकर आई हूँ। सुमेर अगर तुम्हें देख लेता तो बेमतलब का सीन क्रिएट होता। छलावा चुपचाप आगे देखने लगा। जब सुमेर अंदर की तरफ चला गया तब चेरी ने कहा, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे काम के लिए ये सही समय है। सुमेर नशे में है, देखो उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, वो जाते ही सो जाएगा और सुबह से पहले किसी हालत में नहीं उठेगा। छलावा शक से चेरी को देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरा कोई काम है, क्या कहना चाहती हो तुम? चेरी हड़बड़ा कर बोली, मेरा मतलब है यहाँ से निकलने का काम, तो यहाँ से निकलो, ये बहुत सही समय है तुम्हारे लिए। इतना कहकर चेरी जल्दी जल्दी वहां से चली गई। छलावा ने जब देखने की कोशिश की तो उसे चेरी कहीं नजर नहीं आई। छलावा को लगा कि वो अपने कमरे में जा चुकी है, लेकिन छलावा सामने के गेट से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर किसी दरबान ने गलती से भी सुमेर के सामने बोल दिया कि छलावा सुमेर के लौटने के बाद गया है, तो वो सुमेर से क्यों नहीं मिला और किस काम से आया था? क्योंकि चेरी को बहलाना आसान था लेकिन सुमेर को नहीं। एक तरफ जहाँ छलावा हवेली में ही घूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ विकी के घर पर सब गहरी नींद में सोए थे सिवाय ध्रुव के। वो घर का दरवाजा खोले दरवाजे पर ही खड़ा था और बाहर बगीचे की तरफ देख रहा था, जहाँ खुले आसमान में चमकते सितारे उसको सुकून पहुंचा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने उसे कसकर गले लगा लिया और जाहिर सी बात है ये कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अनन्या के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम सोई नहीं अब तक? अनन्या बोली, सो गई थी लेकिन सपने में देखा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, मैं डर गई कि कहीं कोई चोर तो नहीं, इसीलिए मैं भागी हुई चली आई। ध्रुव हंसते हुए बोला, अच्छा तो सपने में तुमने ये भी देखा कि तुमने किसी चोर को गले लगाए है? अनन्या ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों नहीं, अगर वो चोर दिल का चोर हो तो उसे गले ही क्यों, और भी कुछ किया जा सकता है। अनन्या ने इतना कहा ही था कि ध्रुव ने फुर्ती से उसे अपने आगे किया और उसके चेहरे को प्यार से निहारते हुए बोला, और भी इससे क्या मतलब समझूं मैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अनन्या ने कहा, सपना हो या हकीकत, मौके का फायदा उठाना आना चाहिए इंसान को। ध्रुव ने कहा, अब कोई फायदा उठाने दे तब तो, मौके तो कई बार आए हैं। लेकिन मुझ बदकिस्मत की किस्मत में फायदा कहाँ? इतना कहकर ध्रुव ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करता हुआ बोला, लेकिन अगर कोई मेहरबान हो तो मेरी किस्मत भी जग सकती है। वैसे सही कहा तुमने, मौका तो अच्छा है। इतना कहकर वो अनन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और अनन्या पीछे खिसकने लगी। पीछे हटती हुई वो तख्त से जाकर टकरा गई। ध्रुव हंसता हुआ बोला, अब बताओ अब कहाँ भागोगी? इतना कहकर वो अनन्या के नजदीक आने ही लगा कि तभी कुछ जोर से गिरने की आवाज आई जो बाहर की तरफ से आई थी। ध्रुव और अनन्या एकदम से दूर हो गए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, ये क्या था? फिर एक साथ ही बोले, मुझे क्या पता? ध्रुव ने कहा, चलो देखते हैं। अनन्या बोली, मैं विक्की और तारा को भी उठा रही हूँ। ध्रुव ने कहा, अरे नहीं नहीं उन्हें सोने दो, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करना, हम देखते हैं ना। अनन्या बोली, अगर कोई चोर हुआ तो? ध्रुव ने कहा, तो तुम हो ना, उसे हक दे देना। अनन्या उसके कंधे पर मुक्का मारकर बोली, शट अप। ध्रुव हंसकर बोला, आओ भी। इतना कहकर वो बगीचे की तरफ निकले। जैसे ही बाहर आए उन्होंने देखा झाड़ियों से निकलकर दबे पांव कोई घर की तरफ आ रहा है। अनन्या जोर से चिल्लाई, चोर चोर। वो जल्दी से अनन्या पर झपटा और उसने अनन्या का मुंह बंद करते हुए कहा, चुप रहो, क्यों चिल्ला रही हो, ये मैं हूँ। तभी ध्रुव ने देखा वो छलावा था। छलावा को देखकर अनन्या की भी जान में जान आई और ध्रुव ने छलावा से कहा, तुम इस तरह चोरों की तरह क्यों आ रहे हो, वो भी इतनी रात को? छलावा बोला, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इसी तरीके से आना पड़ा, लेकिन ये तो चिल्ला चिल्ला कर सबको जमा कर देती, तुम चिल्ला क्यों रही थी चोर चोर, अब चुप क्यों हो, बोलो। अनन्या ने छलावा के हाथ की तरफ इशारा किया जिसने अनन्या का कसकर मुंह बंद कर रखा था। छलावा अपने हाथ उठाते हुए बोला, माफ करना। अनन्या ने कहा, तुम चोर तो नहीं हो लेकिन मर्डरर जरूर बन जाते, तुमने इतनी देर से मेरा मुंह बंद किया था, कभी मेरी सांस रुक जाती, पागल हो गए हो क्या? छलावा बोला, तुम इतने जोर से चिल्लाई मैं घबरा गया। अनन्या बोली, घबरा तो हम गए थे, और ये आवाज कैसी थी गिरने की? छलावा धीरे से पलटा और उसे देखकर ध्रुव अनन्या दोनों की हंसी छूट गई। उन्होंने देखा छलावा का शर्ट पीछे से पूरा फटा हुआ है और उसकी पीठ दिख रही है। अनन्या हंसती हुई बोली, ये क्या है? छलावा बोला, वो बगीचे का ग्रिल बंद था ना, तो मैं झाड़ियों के बीच से निकल कर आ रहा था, तभी मेरी शर्ट फंस गई और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया और मेरे कपड़े भी फट गए। इतने में तारा और विकी भी बाहर निकल कर आ चुके थे। अनन्या के चीखने से उन लोगों की नींद भी टूट चुकी थी। विकी हड़बड़ाते हुए डंडा लेकर आगे आया और बोला, कहाँ है चोर, कहाँ है? ध्रुव ने छलावा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है चोर, फटे हाल बदहाल, फिलहाल इस चोर को कपड़ों की जरूरत है। विकी बोला, नहीं नहीं अनन्या, ये गलत बात है, तुम छलावा को चोर नहीं बोल सकती।
अनन्या चिढ़ती हुई बोली, बकवास बंद करो अपनी, ये आया ही ऐसे था, मैं डर गई, मुझे लगा सच में चोर है, जब सामने आया तब पता चला, क्या जरूरत थी ऐसे आने की। ध्रुव ने कहा, हाँ छलावा तुमने बताया नहीं, तुम कुछ बता रहे थे ना। छलावा ने कहा, अंदर चलो। सब जल्दी जल्दी अंदर पहुंचे और ध्रुव ने अपनी शर्ट लाकर छलावा को दी। कुछ ही देर में छलावा ध्रुव की शर्ट पहनकर आया और बोला, तुम लोगों को ले जाने आया हूँ। ध्रुव ने कहा, अभी इस वक्त? छलावा बोला, तो क्या तुम्हें मैं दिन में ले जाऊंगा, अभी मैं वहां से देख कर आया हूँ, अभी बहुत सही मौका है, सुमेर भी अभी लौटा है कहीं से और उसने शराब पी रखी है, नशे में है और वो बेसुध होकर सोया होगा, हम अभी अपना काम कर सकते हैं। ध्रुव ने कहा, ठीक है अगर यही मौका है तो यही सही। तभी विक्की बोला, कि तुझे आधी रात को जो याद आ रहा है, ये तुझे तब क्यों नहीं याद आया जब तू वो लड़की, क्या नाम था उसका, हाँ रूह, उसे घुमा रहा था। लड़की का नाम सुनकर तारा और अनन्या एक साथ बोली, लड़की, कैसी लड़की, हमें भी तो बताओ। ध्रुव अपने सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, एक तो तुम लड़कियों की पंचायती आते, लड़की थी कोई एलियन नहीं थी और ये सिंगल है, किसी लड़की को घुमा सकता है। वैसे विक्की पूरी बात बताया कर, ये किसी लड़की को घुमा नहीं रहा था, दरअसल सजनी की कोई कजिन आई है तो उसे घर छोड़ने जा रहा था, उसको रास्ता नहीं पता था। और विक्की अब अगर तेरा मंत्रा बनकर हो गया हो, इधर उधर की बात करके हो गया हो तो चले। सब फटाफट हाथ मुंह धोकर आ गए और छलावा के साथ निकल गए। रास्ते में सबके दिल की धड़कन बढ़ रही थी क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से आज ही उन्हें उस जगह पर जाने का मौका मिलने वाला है जहां पर सुमेर ने बंजारन को रखा है। एपिसोड 496, अलमारी या दरवाजा। सब हवेली के लिए निकल गए। रास्ते में सबके दिल की धड़कन बढ़ रही थी क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से आज ही उन्हें उस जगह पर जाने का मौका मिलने वाला है जहां पर सुमेर ने बंजारन को रखा है। चलते हुए अचानक विक्की ने पूछा, छलावा एक बात बता, तू हमें लेकर तो जा रहा है लेकिन हम सबको वहां अगर कोई देख लिया तो क्या होगा? अब माना रात का वक्त है लेकिन वॉचमैन तो होगा ही ना दरवाजे पर। छलावा ने कहा, तुम लोगों को किसने कहा कि मैं तुम लोगों को सामने के दरवाजे से लेकर जाऊंगा, वो जो हमारा सुरक्षित मार्ग है उसी से होते हुए जाएंगे। विक्की बोला, वो फिर से दीवार कूद कर? अरे लेकिन हमारे साथ तो लड़कियां। इतना कहते हुए विक्की एक पल चुप होकर फिर बोला, मेरा मतलब है तारा का तो मुझे पता है लेकिन अनन्या कैसे कूद पाएगी? अनन्या ने कहा, तू बोले तो मैं तुझे गोद में भी लेकर दीवार कूद सकती हूँ, मेरी टेंशन मत ले। विक्की धीरे से बोला, कौन कहता है नारी अबला होती है, मुझे तो जितनी भी नारियां मिली हैं वो सब की सब WWE की पहलवानों से कम नहीं है, बस दिखती हैं जीरो साइज। ध्रुव ने कहा, तो तुझसे किसने कहा कि नारियों में इतना दिमाग लगा? विक्की बोला, अरे मैं दिमाग कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, बस रिस्पेक्ट के मारे बोल दिया। इन लोगों की नोकझोंक के बीच में छलावा गंभीर आवाज में बोला, बस एक बात समझ नहीं आई। ध्रुव ने कहा, क्या बात है? छलावा ने उसे चेरी के बारे में बताया कि कैसे पहले उसने उसे वहां से भेजा, फिर उसे हवेली के पीछे ले गई, सुमेर से बचाया। ये सुनकर बाकी सब भी सोच में पड़ गए। ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, हो सकता है कि चेरी को खुद सुमेर से कोई डर हो कि तुम्हें वहां देखकर सुमेर उस पर ना गुस्सा हो जाए या कुछ और। छलावा ने कहा, नहीं ध्रुव ऐसा नहीं हो सकता, चेरी और सुमेर जिस तरीके से एक थाली के चट्टे बट्टे हैं उन दोनों के निशाने पर तो मैं हूँ, मेरी वजह से उन दोनों का आपस में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे में चेरी का मेरा साथ देना कुछ समझ नहीं आया। विक्की ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम लोगों को फंसाना चाहती है, उसे पता चल गया हो कि हम लोगों का अगला कदम क्या हो सकता है? छलावा बोला, नहीं विक्की ये भी बात नहीं है, उसे पता चल सकता है ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, इस तरफ से तो तुम बिल्कुल ही निश्चिंत रहो, बस समझ नहीं पा रहा हूं कि उसका स्वभाव है क्या। विक्की ने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चेरी के बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी इस वक्त जरूरी ये है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो करें। ध्रुव ने कहा, हाँ छलावा विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, चेरी के बारे में सोचकर अभी अपने माइंड को डाइवर्ट करना कहीं से समझदारी नहीं है। छलावा बोला, शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ इस बारे में, हो सकता है जैसा तुम लोग कह रहे हो वैसा ही हो, मेरी वजह से उन दोनों का आपस में कुछ बात बिगड़ सकता है इसलिए चेरी ने ऐसा किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी वो दोनों कब क्या करते हैं इसे समझने में मुझे तो लगता है कभी कभी एक जिंदगी कम पड़ जाए। ध्रुव ने पूछा, माई यहाँ आई थी या उनके बारे में भी कुछ पता चला है? छलावा बोला, नहीं इस बारे में तो चेरी ने भी कोई जिक्र नहीं किया,
तब तक ये लोग हवेली के पास पहुंच चुके थे और जब उन्होंने देखा कि दोनों ही दरबान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए नींद की झपकी ले रहे हैं तो भागते हुए साइड में दीवार के पास चले गए जहां से उन्हें दूसरी तरफ कूदना था। तारा ने कहा, दोस्तों इससे पहले हम भीतर जाएं, छलावा तुम्हें अच्छे तरीके से तो पता है ना कि बंजारन तक पहुंचना कैसे है। विक्की ने कहा, ये कैसी बात कर रही हो तारा, ऑफ कोर्स उसको पता होगा। तारा बोली, नहीं विक्की मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि सुमेर इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि अपने बिछाए हुए जाल के बारे में हर किसी को बताए, हो सकता है वो छलावा को अपने हिसाब से ले जाए, इसलिए मैं बस श्योर कर रही थी कि पता भी है या नहीं, आगे ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर फंस जाए। छलावा ने कहा, चिंता मत करो तारा, मुझे सब पता है, बल्कि तुम लोग यूं समझ लो कि तुम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हो जिस जगह के बारे में तुम लोगों ने ना कल्पना की होगी और ना ही कोई कल्पना कर सकता है, एक ऐसी दुनिया जो लोगों के ख्यालों से भी परे है। विक्की ने कहा, एक ऐसी दुनिया जो ख्यालों से परे है, तेरा मतलब है जैसे सिद्ध पुरुष के बनाए हुए वो पांच द्वार और वो दुनिया, वैसा कुछ बहुत खूबसूरत, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ। छलावा मुस्कुराकर बोला, दुनिया कुछ अलग सी लेकिन खूबसूरत नहीं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष की बनाई हुई जगह थी तो जाहिर बात है वो सात्विक और सुंदरता से भरी हुई थी, लेकिन ये वैसा नहीं है, ये दुनिया बहुत डरावनी है और अच्छी बात है कि जुल्मी हमारे साथ नहीं है, वरना हमें तो उसे अपने कंधों पर ही टांग कर ले जाना पड़ता। अब जल्दी करो। सबसे पहले छलावा दूसरी तरफ गया, उसके बाद दोनों लड़कियों को दूसरी तरफ भेजा गया और फिर विक्की और सबसे आखिर में ध्रुव। तारा ने अपने कदम जैसे ही बरामदे की तरफ बढ़ाए, छलावा ने उसका हाथ पकड़ा और उन सबको लेकर हवेली के पीछे की तरफ चला गया। तारा बोली, ये तुम हमें पीछे की तरफ लेकर क्यों आए हो। ध्रुव ने कहा, हाँ छलावा तारा सही कह रही है, जुल्मी ने जैसे सबसे बताया था उसने जहाँ फिर तुम्हें गायब होते देखा था वो जगह तो भीतर के साइड से बैठक की तरफ से है, तो हम पीछे के रास्ते क्या करने आए हैं। छलावा ने कहा, हम वहीं होते हुए जाएंगे लेकिन सामने से नहीं पीछे की तरफ से। ध्रुव ने कहा, पीछे से भी कोई रास्ता है। छलावा बोला, हाँ बिल्कुल। तारा ने कहा, हो सकता है जैसे ठकुराइन जिस कमरे में कैद थी वहां से बाहर उस दरवाजे में जैसा छोटा सा दरवाजा था जिसके बारे में किसी को भनक नहीं लग सकती थी वैसा ही कुछ हो। छलावा बोला, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो तारा, बल्कि ये जो रास्ता है ये उसी कमरे तक जाएगा। छलावा के साथ साथ सब आगे बढ़ने लगे। पीछे से विक्की बोला, ये हवेली है या चंद्रकांता का तिलिस्मी कोई जगह जिसमें कहां से शुरू होता है कहां खत्म पता ही नहीं चलता है। ये बात तारा ने सुन ली थी। तारा बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो क्योंकि ये हवेली बहुत पुरानी है विक्की, सज्जन सिंह ने इसे फिर से रेनोवेट कराया था, इसके आगे का हिस्सा बनवाया था, लेकिन ये हवेली पुरानी बहुत है, इसका जो पिछला हिस्सा है जो अपने आप में अब एक मिस्टीरियस जगह बन के रह गया है उसको ढंग से बनाया गया था कि उसमें कई सारे ऐसे गुप्त रास्ते और चीजें थी जो इंसान की समझ से परे थी। विक्की ने कहा, तुम्हें बहुत पता है। तारा बोली, तुम शायद भूल रहे हो, मेरे पापा सज्जन सिंह के दोस्त हुआ करते थे, बहुत कुछ नहीं भी तो भी काफी कुछ मेरे पापा को पता था। छलावा ने कहा, ऐसे तारा कुछ गलत कह नहीं रही है। विक्की उसे चिढ़ाता हुआ बोला, तेरे पापा भी सज्जन सिंह के दोस्त थे। अच्छा हाँ, तेरे पापा तो वो दिव्य पेड़ थे। ध्रुव ने विक्की से कहा, बहुत बुरा मजाक था विक्की। विक्की बोला, आई एम सॉरी, मैं तो बस यूं ही बोल गया। इससे पहले कि ध्रुव कुछ और बोलता छलावा हंसते हुए बोला, रहने दो ध्रुव, इसकी बातों का बुरा नहीं लगता, समझ गया हूँ, ना तो ये अपने मुंह पर काबू रख सकता है और ना ही खाने के वक्त पेट पर। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। ध्रुव ने देखा छलावा हवेली के पीछे ठीक उसी जगह पर आकर रुका था जहाँ ठकुराइन कैद थी, उसके दीवारों के पास बहुत सी झाड़ियां उगी हुई थी। छलावा जल्दी से वहां बैठ गया और झाड़ियों को अपने हाथों से हटाने लगा। विक्की ने पूछा, ये तू क्या कर रहा है। छलावा बोला, एक मिनट बताता हूँ। देखते ही देखते छलावा ने लोहे का एक चिमटा और पेचकस जैसा कुछ निकाल कर लाया जो उसने वहां शायद पहले छुपा कर रखा था। ध्रुव ने कहा, इससे क्या करोगे। छलावा बोला, मैंने कहा ना बताता हूँ, बस तुम लोग देखते जाओ। छलावा वहीं खिड़की के पास गया और चिमटे से खिड़की के नट बोल्ट खोलने लगा। विक्की बोला, तो हम इस खिड़की के रास्ते जाने वाले हैं। छलावा बोला, हाँ। उसके बाद विक्की तारा से बोला, देखा तुमने, यहाँ कोई अजूबा द्वार नहीं निकल कर आने वाला था, ये चोरों वाले तरीके इस्तेमाल कर रहा है, खिड़की के रॉड को निकालेगा और हम उसके अंदर जाएंगे। वैसे छलावा मुझे नहीं लगता तुझे खिड़की में इतनी मेहनत करने की जरूरत है, खिड़की की हालत देख हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। छलावा ने कहा, अच्छा तो होशियार जरा ये भी बताओ किससे खिड़की तोड़ोगे और उससे जो आवाज होगी और सब यहाँ जमा हो जाएंगे तब क्या करोगे, तब तुम्हारे पास यहाँ से गायब होने का भी कोई शॉर्टकट है। विक्की बोला, हाँ ठीक है समझ गया, तू कर जो कुछ कर रहा है। छलावा ने पूरे ग्रिल को ही अच्छे से निकाल कर अलग कर दिया, फिर बोला,
आ जाओ एक एक करके, दूसरी तरफ जाओ, लेकिन संभाल कर जाना, दूसरी तरफ बहुत से भंगार हैं, शोर हो सकता है। सब बड़े आराम से एक एक करके दूसरी तरफ उतरे और संभाल कर इस बात का ध्यान रखा कि किसी चीज से ना टकराए। दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा था। ध्रुव बोला, छलावा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तू भी संभाल कर आ जा। छलावा बोला, रुक जाओ मैं ऐसे नहीं आऊंगा। छलावा ने उस लोहे की ग्रिल को वापस पहले की तरह ही अच्छे से खिड़की में फिट कर दिया, लेकिन उसने उसके नट बोल्ट नहीं लगाए। उसने अपनी जेब में रख लिया और अंदर आ गया। विकी बोला, छलावा मानना पड़ेगा तूने बहुत चतुराई से काम किया है। अगर गलती से भी कोई खिड़की की तरफ देखेगा तो कह नहीं सकता कि इसके रास्ते से कोई भीतर गया है। ध्रुव ने विकी का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, तेरी तरफ से मुंह का नहीं, बोलने के लिए भी और खाने के लिए भी। विकी चिढ़ता हुआ बोला, यहाँ जुल्मी नहीं है तो तुम लोगों ने क्या मुझे ही निशाना बना लिया? ठीक है, मेरा बोलना इतना बुरा लगता है तो मैं बोलूंगा नहीं, और मेरा खाना इतना बुरा लगता है तो मैं आपसे घर पर खाऊंगा भी नहीं। ये बोलते हुए विक्की की आवाज ऊंची हो गई थी और ध्रुव ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जा, कितनी जोर से चिल्ला रहा है। ये सब छोड़ो, हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। इतना कहकर छलावा उसी कमरे की तरफ बढ़ा जहां ठकुराइन को बंद करके रखा गया था, लेकिन इस कमरे में आज ताला नहीं लगा हुआ था। आसानी से ये कमरे को खोलकर उसके भीतर चले गए। ध्रुव ने देखा वो कमरा अभी भी वैसा ही था जैसा कि ठकुराइन के वक्त था। ध्रुव ने कहा, इस कमरे में तो ठकुराइन कैद थी ना, वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं? तारा और बाकी सबका भी वही सवाल था। छलावा बोला, क्योंकि ये मात्र कमरा नहीं रास्ता भी है। इतना कहकर छलावा कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ा। बाकी सब बड़े ध्यान से देखने लगे कि ये करने क्या वाला है। छलावा एक एक करके अलमारी से सारी चीजें बाहर निकालने लगा था। वो सारी चीजें बेकार की ही थी जो सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई थी। अलमारी खाली होने के बाद छलावा ने कहा, दोस्तों ये देखो, ये अलमारी की सच्चाई। विकी ने कहा, कुछ ठीक से दिख ही नहीं रहा। छलावा बोला, मोबाइल को जलाओ और देखो। विकी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जैसे ही उस फोन का फ्लैश ऑन करने लगा, उसका नोटिफिकेशन टोन बजा। ध्रुव ने कहा, फोन साइलेंट पर कर, मरवाएगा हमको। सबने सबसे पहले अपना अपना फोन साइलेंट पर किया और फिर मोबाइल के फ्लैश से अलमारी की तरफ देखने लगे तो वाकई में वो अलमारी भीतर से पूरी खोखली थी और उस अलमारी में कुंडी लगी हुई थी जैसे कि दरवाजे में होती है। सब एक दूसरे का मुंह हैरानी से देख रहे थे। विकी बोला, वाकई में ये सुमेर बड़ी चालू चीज है, छलावा जल्दी से इसे खोल तो सही। छलावा ने धीरे से उस कुंडी को खोला और अलमारी का वो भाग दरवाजे की तरह खुल गया। दूसरी तरफ दीवार थी। विकी बोला, ये तो दीवार है। छलावा ने कहा, ये दीवार नहीं है, एक मिनट रुको। छलावा ने हाथ से टटोला, उस दीवार में खांचे जैसा बना हुआ था, उस पर अपने हाथ का पूरा जोर लगाकर उस दीवार को एक तरफ चिपकने लगा। वो दीवार एक तरफ खिसक गई और बाहर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी सीलन की बदबू थी। विकी ने अपने मोबाइल का फ्लैश नजदीक ले जाकर देखा और आगे बढ़ने को हुआ तो उसके पैर डगमगाने लगे। जल्दी से छलावा ने उसे पकड़ लिया और बोला, क्या कर रहे हो, नीचे सीढ़ियां हैं। एपिसोड 497, चट्टान के पार। इससे पहले कि विकी अलमारी के दूसरी तरफ वाली जगह में गिरता, छलावा ने उसे थाम लिया और बोला, संभाल कर, दूसरी तरफ सीढ़ियां हैं। विकी बोला, हैं? लेकिन दिख तो नहीं रही। छलावा ने कहा, इतनी सी रोशनी में कैसे दिखेंगी सीढ़ियां, नीचे हैं, और कोई सीमेंट वाली सीढ़ी नहीं है बल्कि लटकने वाली सीढ़ी है, उसे हमें नीचे लटकाना होगा, उसके बाद ही हम उतर सकते हैं। छलावा ने विकी से उसका मोबाइल लिया और उसके फ्लैश की रोशनी में नीचे कुछ ढूंढने लगा। नीचे एक कड़ी में लोहे की सीढ़ियां लपेट कर लटकाई हुई थी। छलावा धीरे धीरे उसे नीचे गिराने लगा। हल्की हल्की जंजीरों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन छलावा बहुत बारीकी से काम कर रहा था। उसके बाद छलावा उठकर खड़ा हुआ और बोला, दोस्तों तो तुम लोग तैयार हो एक ऐसी जगह को देखने के लिए जो शायद तुमने सोचा नहीं होगा? इससे पहले कि ध्रुव कोई जवाब देता, विकी ने कहा, ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है। ध्रुव, हम यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा, सोच लो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम ही सोचो ना, एक कमरे के भीतर अलमारी से रास्ता, वो भी एक ऐसा अजीब सा रास्ता। मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे घबराहट सी हो रही है। ध्रुव ने कहा, घबराओ मत विकी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बल्कि हम सब हैं, और हम सब एक साथ रहते हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाती है, तब हमें डरने की जरूरत नहीं होती। विकी ने कहा, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं बस कंसर्न दिखा रहा हूं कि कहीं हमारी कोई गलती ना साबित हो जाए। तारा ने कहा, विकी
इससे पहले भी इससे ज्यादा अजीबोगरीब मौके आए हैं जो ये बताना चाहते थे कि हम कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उसका सामना किया है और हम जिस कंडीशन में है मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब सिचुएशन से हमें दो चार होना पड़ेगा, इसे प्रैक्टिस समझ लो। विक्की अभी भी कन्विंस नहीं था और अनन्या ने उसे नॉर्मल करने के लिए उसी के टोन में कहा, और ये आदमी हम लड़कियों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, दीवार कूदने के मामले में ये सोचता है कि हम दीवार नहीं कूद सकते तो हमारे लिए रास्ते इजी करना चाहता है। बताओ, इसकी खुद की हर सिचुएशन में हालत पतली हो जाती है। तुझसे अच्छा तो जुल्मी है, कम से कम दिखावे के लिए सही बहादुरी तो दिखाता है। ध्रुव ने कहा, अनन्या मैं समझ रहा हूँ तू इसको हौसला देने के लिए इस तरह से मजाक के अंदाज दिखा रही है, लेकिन ये ठीक चीज नहीं है। मजाक करने के लिए भी सही जगह होती है। विक्की, अगर अभी भी तुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो एक काम कर, तू यहीं पर रुक और हमारा इंतजार कर। अगर तुझे लगे कि भीतर कुछ गड़बड़ है या हमें आने में देर हो रही है तो तू चाहे तो हमारी हेल्प कर सकता है। विक्की बोला, यार मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा था, तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल ही बेकार समझ लिया है। इतना भी डरपोक नहीं हूं मैं कि यहां पर हाथ धरे बैठा रहूं। मैं तुम लोग के साथ आ रहा हूं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जरा सा ध्यान रखने की जरूरत है हमें। तुम लोग मेरी हर बात को गलत ही समझते हो, छलावा ने कहा। देखो अभी इस तरह से ना बात विवाद करने का समय नहीं है। अगर गलती से भी वो सुमेर उठकर यहाँ चला आया ना तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि जितना मैं उसको जानता हूँ वो जब भी सोकर उठता है या कहीं बाहर से आता है तो इस जगह पर जरूर आता है, और आज वो नशे में धुत था इसलिए अपने कमरे में जाकर सो गया है, और उसकी नींद खुली और उसका नशा उतरा तो वो सबसे पहले इधर ही आएगा। इससे पहले हमें भीतर चले जाना होगा। छलावा की बात बिल्कुल सही थी। छलावा धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा और उसने विक्की से कहा, अपने मोबाइल का लाइट बंद कर दो क्योंकि नीचे बहुत चमगादड़ है और रोशनी पर वो एकदम से फड़फड़ाने लगेंगे और हम पर हमला भी कर सकते हैं। विक्की बोला, लो सुन लो, भीतर चमगादड़ भी पाल रखा है। अभी भी तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो लो सबसे पहले मैं ही जाता हूँ छलावा के पीछे पीछे। विक्की उतरा, उसके बाद दोनों लड़कियां उतरी और सबसे आखिर में ध्रुव उतरा, और उतरते के साथ ही जैसा छलावा ने कहा था उसने उस दीवार को बंद कर दिया। नीचे आकर ध्रुव बोला, लेकिन जैसा तुमने कहा सुमेर अगर आएगा तो सलमारी को और कुंडी को खुला देखकर उसे शक नहीं होगा। छलावा ने कहा, जरूर शक होगा, हो सकता है वो भीतर भी आए, लेकिन भीतर हमारे पास रुकने के लिए काफी जगह है तो जरूरी नहीं है यहाँ हम ही आए थे। अगर ज्यादा ज्यादा उसे शक होगा अभी तो मुझ पर होगा, और मुझ पर शक होना उतना बुरा नहीं है जितना तुम सब पर शक होना। तुम लोगों का तो एहसास भी उसे महसूस नहीं होना चाहिए यहाँ। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ने लगा छलावा ने कहा, एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। विक्की ने कहा, अब तू इस जगह पर लाकर हमें गिफ्ट देगा। छलावा बोला, हाँ जिंदगी का तोहफा, तुम लोगों की सांसें, तुम लोगों के शरीर का ये मांस, ये चमड़ी, ये सब कुछ मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। विक्की बोला, ये तो कैसी बात कर रहा है छलावा, देख पहले से बोल रहा हूँ, अब मुझे शर्म नहीं है इस बात को मानने में कि मैं डर रहा हूँ। छलावा ने अपनी जेब से दो पोटली निकाली और उन्हें दिखाते हुए कहा, इसमें गीली मिट्टी है, इसे अपने शरीर पर अच्छे से लगा लो। विक्की ने उस पोटली को लिया, उसे सूंघते हुए बोला, छी इसमें तो बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। छलावा ने कहा, अब इसकी बारीकियों में मत जाओ कि इसमें से बदबू क्यों आ रही है, बस जो कह रहा हूँ वो कर लो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी इंसानों की महक होना भी उस इंसान की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे शरीर से ऐसी कोई महक नहीं आएगी, और हाँ अनन्या तुम्हें भी लगाने की जरूरत नहीं है, तुमसे भी इंसानों वाली महक नहीं आती होगी, लेकिन इन तीनों के लिए जरूरी है इसे लगाना। ध्रुव ने कहा, अब कोई बहस नहीं होगी, छलावा जैसा कह रहा है वैसा करो। उन तीनों ने अच्छे से इस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था जिससे बहुत अजीब सी बदबू फैल रही थी। अनन्या ने धीरे से छलावा से पूछा, इसमें क्या है, सच में बहुत बदबू है। छलावा ने कहा, उसमें वो जो मेरे घर के पीछे कीचड़ नहीं है खेतों में, वो कीचड़ है, उसमें मैंने थोड़ा सा गोबर मिला दिया। ये सुनकर अनन्या ने तो अपने मुंह पर हाथ रखा, नहीं तो उसे हंसी आ जाती, और बोली, ये बात अगर मैं विक्की को बताऊंगी ना तो अभी यहीं चिल्लाने लगेगा। छलावा ने कहा, आ जाओ मेरे साथ। अंधेरी और सीलन जैसी बदबू से घिरे हुए गलियारे से होते हुए ये लोग आगे बढ़ने लगे, और जल्दी वो गलियारा खत्म हो गया और वहां हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। विक्की बोला, रोशनी कैसी है, सुबह होने वाली है क्या? जब उन्होंने कुछ आगे जाकर देखा तो ये रोशनी पेड़ों की जड़ों से आ रही थी। तारा हैरानी से बोली, रोशनी कैसी है? छलावा ने कहा, ये सब अंगारे हैं या अंगारों की रोशनी है। उन्होंने ध्यान दिया, सारे पेड़ बिल्कुल सूखे थे जैसे कि उन्हें जला दिया गया हो। वहां पर बदबू थी जैसे मांस के जलने की बदबू होती है। उस बदबू के आगे इनके शरीर पर लगी बदबू का तो असर ही नहीं हो रहा था। सबने अपने अपने नाक पर हाथ रखा, लेकिन छलावा ने कहा, सब बिल्कुल सामान्य रहो, जैसे तुम लोगों को उसकी बदबू लगी नहीं रही है। विक्की ने कहा, कैसी नहीं लग रही है, ऐसी बदबू आ रही है कि मेरी आंतें बाहर आ जाए, और तू कह रहा है कि बदबू ही नहीं लग रही है।
छलावा ने कहा, अपने आसपास देखो, छोटे छोटे काले पानी के जैसे गड्ढे दिख रहे होंगे। उन्होंने देखा तो वाकई में छोटे छोटे कई सारे गड्ढे थे जो दिखने में काले पानी के गड्ढे लगते थे। विकी ने कहा, हाँ तो? छलावा बोला, तो ये कि ये पानी के गड्ढे नहीं है। विकी ने कहा, तो ये क्या है? छलावा बोला, अब इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये काला पानी एक अजीब सी आकृति ले लेते हैं और वो इंसानी मांस तो मांस, उनकी हड्डियों को भी चंद पलों में चबा जाते हैं। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्हें अगर इंसानी महक और इंसान के होने का एहसास होगा तो वो एक पल भी नहीं लगाएंगे तुम सबकी हड्डियों को चबाने में। इसीलिए मैंने तुम लोगों के शरीर के ऊपर ये लेप लगाया है और यही महक है कि जिसमें हल्की सी भी खुशबू पहचानी जा सकती है इंसान की। लेकिन जब तुम्हारे शरीर से बदबू भी आएगी तो पता ही नहीं चलेगा ये कैसी बदबू है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अलग अलग तरीके की बदबू फैली हुई है। उसके बाद छलावा ने कहा, वो सामने देख रहे हो वो काला चट्टान जैसा दिख रहा है, हमें वहां तक जाना है, और जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल मेरे पीछे वैसे ही आना, और वहां तक गलती से भी अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। तो तुम लोग तैयार हो? सबने हाँ में सिर हिलाया और विकी ने भी बेमन मजबूरी में हाँ कह दिया। छलावा आगे आया और उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में जोड़ लिया और अपने सर को झुकाकर आगे बढ़ने लगा। विकी ने धीरे से कहा, ये कैसे करतब करते हुए जा रहा है? ध्रुव ने कहा, इसने बोला था ना कि अपने मुंह से मत निकालना वरना बेमौत मारे जाओगे। अब छलावा का पीछा करो, जैसे वो चल रहा है वैसे ही चलो, बाद में मालूम करेंगे कि ये ऐसे क्यों हो गया है। बाकी सब भी छलावा की तरह चलने लगे। सिर झुकाए हुए विकी इधर उधर देखने की भी कोशिश कर रहा था। अचानक एक जगह जाकर पानी में गड़गड़ाहट सी होने लगी। विकी ने देखा उस काले पानी के गड्ढे में बुलबुले उठ रहे थे और धीरे धीरे वो काला पानी गड्ढे से निकलकर बाहर आ रहा था। विकी के डर के मारे पैर सुन्न पड़ गए थे। उसे लग रहा था कि उसका एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल है। सबसे पीछे चल रहा है ध्रुव। उसने जब ये देखा तो मन में बोला, ये क्या बेवकूफी कर रहा है। तभी उसने देखा विकी बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ रहा था। ध्रुव अपने मन में बोला, अजीब आदमी है, अभी तो उसके पैर जाम हो गए थे और अभी देखो कितने आराम से चल रहा है। विकी सीधा दूसरे छोर पर जाकर ही माना। बाकी सब भी उसके साथ दूसरे छोर पर पहुंच चुके थे। वहां जाकर छलावा ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना विकी बहुत ध्यान से। विकी बोला, मैं क्या करूं, मुझसे रहा ही नहीं गया, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं, तुझको घबराहट हो रही थी लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट तरीके से यहां तक पहुंचा तो। छलावा ने कहा, ये नहीं पहुंचा है, इसके दिमाग को काबू में करके मैंने इसे यहां तक खींचा है, वरना ये तो सबको मरवा कर ही मानता। ध्रुव ने कहा, लेकिन ये बताओ कि इस तरह से आने का क्या मतलब था और ये सब क्या है। छलावा ने कहा, जैसा कि मैंने बोला, मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये जगह के रक्षक हैं, और इस तरह से आने का मतलब होता है कि ये जिसके रक्षक हैं, तुम भी उसी के सम्मान में यहाँ तक आए हो, तुम भी उसको मानते हो और अपने मालिक के सेवक को ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तारा बोली, तो क्या ये सब बंजारन के सेवक हैं? छलावा ने कहा, नहीं, सुमेर के। तारा हैरानी से बोली, मतलब इस जगह को बनाने वाला सुमेर है? छलावा ने कहा, नहीं, इस जगह को सुमेर ने नहीं बनाया, लेकिन हाँ, इस जगह पर अब जो भी देख रहे हो वो जरूर सुमेर का किया हुआ है। ये रक्षक इस जगह की मायावी चीज है, ये सब कुछ सुमेर का बनाया हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक बार सुमेर के मुंह से सुना था कि ये जगह पुश्तों से उन लोगों के पास है। विकी ने पूछा, लेकिन ये जगह है कौन सी? पाली में तो इस जगह के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। छलावा ने कहा, क्योंकि ये जगह पाली में नहीं है, पाली की धरती के नीचे है। ये जगह पूरी तरीके से धरती के नीचे बनी हुई है और ये हवेली का ही हिस्सा है। ऊपर देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर मिट्टी मिट्टी नजर आ रही थी, लेकिन कमाल की बात थी कि वो मिट्टी नीचे नहीं गिर रही थी। छलावा ने कहा, ऊपर हवेली है और नीचे ये जगह है। तारा हैरानी से बोली, सिद्ध पुरुष ने जितने भी पेड़ को लगाया था उन्होंने पूरे पाली में अपनी जड़ें फैलाकर इसे सिक्योर किया था, तो फिर इस तरह की एक जगह बच कैसे गई? छलावा बोला, क्योंकि हो सकता है उस समय में इस जगह में कोई नकारात्मक जगह नहीं रही हो, इस जगह का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जाता हो, क्योंकि सुमेर के पूर्वज जो थे वो राजा महाराजा हुआ करते थे। जब राजाओं का दौर खत्म हुआ तब जमींदार रह गए, ठाकुर रह गए। हो सकता है उस समय में इस जगह को उनका खजाना रखने के लिए या कोई और महत्वपूर्ण चीज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, जिसका पता सुमेर को चला और उसने इसे अपने हिसाब से बना दिया। ध्रुव ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सुमेर ने बंजारन को कहाँ रखा है? छलावा ने उस काले चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, इस चट्टान के पार। एपिसोड 498, छलावा सी ताकत।
ध्रुव ने जब ये पूछा कि आखिर सुमेर ने बंजारन को कहां रखा है, तब छलावा ने उस काले चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके पार। विक्की तुरंत उस चट्टान की दूसरी तरफ देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस चट्टान का पिछला हिस्सा नजर ही नहीं आया। विक्की ने कहा, इसके उस पार तो कुछ नहीं है। छलावा ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस चट्टान के उस पार तुम्हें सीधा बंजारन बैठी मिलेगी? तुमने क्या सुमेर को इतना बेवकूफ समझ रखा है? ध्रुव बोला, ठीक से देख विक्की नीचे की तरफ। विक्की ने जब नीचे देखा तो चट्टान के नीचे एक जगह बनी हुई थी जिससे कि रेंगते हुए इंसान भीतर की तरफ जा सकता था। विक्की ने कहा, ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने कोहिनूर हीरे रखे गए हैं, इतनी सेफ्टी। छलावा ने कहा, ये मत समझना कि सुमेर को बंजारन पर बहुत हमदर्दी थी, इसलिए उसको इतनी सुरक्षित जगह पर लाकर रखा है। दरअसल इस जगह पर उसे लाकर रखने के पीछे का कारण ये है कि ना तो कोई बंजारन तक पहुंच सके और ना ही बंजारन आसानी से यहाँ से निकलकर भाग सके। तारा कुछ सोचती हुई बोली, लेकिन बंजारन का तो शुभचिंतक है सुमेर, तो वो भागेगी क्यों? ध्रुव ने समझाया, ऐसा बंजारन को लगता है पर सुमेर को नहीं। खैर छलावा चलो यहाँ से। इससे पहले कि छलावा कुछ करता, उन्हें किसी के कदमों की आहट महसूस हुई और सब हड़बड़ा गए। अनन्या ने कहा, ये किसकी आहट है? कोई आ रहा है क्या? छलावा ने कहा, इस तरफ आओ मेरे साथ। छलावा सबको लेकर चट्टान के दूसरी तरफ चला गया। वहां पर बहुत ज्यादा छुपने की जगह तो नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि वो सब एकदम से किसी की नजरों के सामने नहीं आते। वहां सब इंतजार करने लगे कि ये आहट कहां से आ रही है। लगातार आहट आ ही रही थी। अनन्या धीरे से बोली, सिर्फ आहट ही आ रही है, कुछ और सुनाई नहीं दे रहा, ना कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत करीब से महसूस हो रहा है। छलावा बोला, शायद ये आवाज भीतर से आ रही है। तारा ने कहा, भीतर से? छलावा ने अपने होठों पर उंगली रखी और चुप रहने का इशारा किया। सब चुपचाप देखने लगे। उन्होंने देखा हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज थी और थोड़ी ही देर में वापस उसी तरह से आवाज हुई, पर फिर सब कुछ शांत हो गया और एक लड़की वहां से उन्हें जाती दिखी। हल्की रोशनी में भी वो स्पष्ट दिख रही थी और पहचान में भी आ रही थी कि ये कौन है। वो चेरी थी। चेरी को देखकर उन सबके माथे पर पसीना उभर आया था और सबके होश उड़ गए थे। विक्की घबरा कर बोला, छलावा तूने तो कहा था कि चेरी अपने कमरे में गई थी, लेकिन चेरी तो यहाँ थी, और अगर वो यहाँ से जा रही है तो उसका मतलब अब उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई और भी आया है। ध्रुव बोला, वो तो जब पता चलेगा तब चलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम यहाँ जब तक आए हैं सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित और अपने हिसाब से ही था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ हमसे पहले कोई आया है। वो अलमारी भी व्यवस्थित थी, बल्कि वो लोहे की लंबी सीढ़ी वो भी लपेटे हुए रखी थी। सब कुछ बंद था तो फिर ये आई कैसे? या तो यहाँ आई है, उसके बाद किसी ने सब कुछ पहले की तरह ही व्यवस्थित किया है। तारा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि एक बार फिर से सोच लो। देखा, मुझे पूरा यकीन था कि ये सब कुछ हमें फंसाने के लिए किया गया है। हो ना हो छलावा, तुम्हें यहाँ देख कर ही चेरी को समझ में आ गया होगा और उसने ये अजीब तरीके का प्लान बनाया और खुद ही तुम्हें उकसाया भी। मुझे तो अब लगता है कि सुमेर भी किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अनन्या ने कहा, इस तरह पैनिक मत हो तारा, ऐसे हम कुछ नहीं सोच पाएंगे। तारा ने कहा, मैं पैनिक नहीं हो रही हूँ अनन्या, मैं बस रियलिटी बता रही हूँ। अब तो चेरी को यहाँ देखकर मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ कि ये सब कुछ एक प्लान था। विक्की ने कहा, थोड़ी देर पहले तो तुम लोग मुझे बहुत ज्ञान दे रहे थे, अब देखो सबको समझ में आ गया ना। हर वक्त कोई इंसान अगर डरता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डरपोक है। ये भी हो सकता है कि उसको आने वाले सिचुएशन के बारे में कुछ एहसास हो गया हो। अब बताओ क्या करना है? ध्रुव ने कहा, छलावा तूने कहा था कि हम सबके यहाँ होने का एहसास नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन तू अगर यहाँ आएगा तो ये कोई बहुत अजीब चीज नहीं लगेगी। अगर सुमेर को ये पता भी चलेगा कि तू यहाँ है तो तेरे साथ थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, लेकिन चीजें वर्स नहीं होंगी। मैं सही कह रहा हूँ ना? छलावा ने कहा, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन इसका क्या? ध्रुव ने कहा, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम चेरी के पीछे जाओ। छलावा ने कहा, लेकिन ध्रुव यहाँ पर तुम लोगों को छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना? ध्रुव ने कहा, तुम जाओ तो सही, आगे अगर कुछ होगा तो तुम सुमेर या चेरी जो भी हो उससे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करना, हमें हिंट मिल जाएगा और फिर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं तब तक। छलावा ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ से हिलने की भी जरूरत पड़े तो जैसे यहाँ आए थे सिर झुकाकर हाथों को बांधकर वैसे यहाँ से निकलना। ये जगह बहुत बड़ी है, अपने छुपने की कोई दूसरी जगह ढूंढना। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और छलावा वहां से चला गया। चेरी के पीछे चलता हुआ छलावा जब उस अंधेरी गलियारी में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वो जगह बिल्कुल खाली और सुनसान है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चेरी अभी यहाँ आई भी थी, बल्कि वो सीढ़ी भी पहले की तरह ही लटकी हुई थी। सब कुछ अपनी अपनी जगह पर था और बिल्कुल वैसे ही था जैसे छलावा और बाकी सब छोड़कर गए थे। छलावा कुछ देर तक तो वहां खड़ा रहा और फिर अपने मन में बोला,
ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तो आई थी यहाँ और अभी उसका कोई पता ठिकाना नहीं है? कहीं तारा की बात सच तो नहीं है? हमें बांटने की ये सब कुछ योजना तो नहीं है? ऐसा दिखाकर हो सकता है कि हम निश्चिंत हो जाएं और एकदम से हम पर हमला किया जाए? छलावा उसी सीढ़ी के माध्यम से बड़ी फुर्ती से ऊपर गया और ऊपर जाकर उसने देखा तो ऊपर भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। छलावा को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मानना सही रहेगा क्या नहीं। आखिर छलावा को कुछ सूझा और उसने अपनी आंखें बंद की और चेरी के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। छलावा चाहकर भी चेरी के दिमाग में घुसकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। छलावा बोला, ऐसा तो तभी हो सकता है, या तो वो अपने होशो हवास में ना हो या गहरी नींद में हो, लेकिन चेरी को तो मैंने अभी अभी देखा है, तो ये सब तो नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से बाहर निकलकर ही जाना होगा। कुछ ही देर में उस कमरे की खिड़की से एक चमगादड़ उड़ता हुआ बाहर आया और हवेली के अगले हिस्से में जाकर घूमने लगा। ध्रुव और बाकी सब उसी हालत में उस चट्टान के पास बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले बैठे थे। तारा बोली, ध्रुव मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना ही चाहिए। ध्रुव ने कहा, नहीं, जब तक कि छलावा का कोई संकेत नहीं आता यहाँ से हिलना बेवकूफी होगी। कुछ देर बाद उन्हें छलावा आता दिखा। छलावा कुछ उलझन में नजर आ रहा था और अजीब से भाव थे उसके चेहरे पर। ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ छलावा, सब ठीक तो है? छलावा ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है या नहीं है ध्रुव, या तो कुछ बहुत ही अच्छा है जिस वजह से हमें किसी ने देखा नहीं है, जिससे हम पकड़े नहीं गए हैं, या कुछ बहुत बुरा है कि हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे बेवकूफ बन रहे हैं। विकी ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ छलावा, ये काम ध्रुव का है तेरा नहीं, देख हम सब पहले ही बहुत परेशान है, सीधा सीधा बता। छलावा ने कहा, चेरी तो मुझे कहीं दिखी नहीं, इतना ही नहीं बल्कि मैं उसके कमरे के आसपास चक्कर लगाकर आ रहा हूँ, चेरी अपने कमरे में सुकून से सो रही है। चेरी ही नहीं, सुमेर भी बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है, बल्कि हवेली में हर कोई अपने अपने जगह पड़ा है और नींद की झपकी ले रहा है, यहाँ तक कि दोनों दरबान भी अब तक उसी तरीके से बेहोश होकर सो रहे हैं, और अब तो थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी। ध्रुव ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है छलावा, हम सबने अपनी आंखों से चेरी को देखा है, चेरी हमारे सामने से चलती हुई गई है और तुम कह रहे हो कि वो सोई हुई है, तुम्हें पता भी नहीं कि चेरी गई तो गई कहाँ? तारा ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पहले भी मुझे चेरी का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा और अब तो हद ही हो गई। अचानक से विक्की बोला, दोस्तों एक बात कहूं, बेशक तुम लोग मुझे बेवकूफी समझो या मेरी बातों को मजाक में लो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और हो जो चेरी के वेश में घूम रहा है? अनन्या बोली, तू सच में बेवकूफ की तरह बात कर रहा है विक्की, वेश बदलने का गुण सिर्फ छलावा में है, और कोई कैसे चेरी के वेश में घूम सकता है? हम ये भी मान लें कि मैं और बंजारन लगभग एक जैसे ही दिखते थे, बल्कि माई का रूप भी हम जैसा ही था, तो ऐसा सिर्फ हम तीनों के साथ है, इसके अलावा हमने किसी के भी तरह दिखने वाला कोई नहीं देखा है, उसके अलावा सिर्फ एक शक्ति है जो छलावा के पास है और वो है भेष बदलने की, तो कोई और कैसे कर सकता है? ध्रुव ने अनन्या को अपने हाथ के इशारे से रोका और बोला, एक मिनट अनन्या, देखो ये सुनने में अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत भी तो नहीं हो सकता ना, अनजाने में सही लेकिन विक्की ने बात तो सही कही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और है जो छलावा की तरह ही वेश बदलने की ताकत रखता है और चेरी का रूप बनाकर घूम रहा है, क्योंकि पहले चेरी ने छलावा की एकदम से मदद की, लेकिन उससे ठीक पहले वो अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी और उसको भगाना चाहती थी, और फिर अचानक अभी हमारा चेरी को देखना और फिर उसका गायब हो जाना, और छलावा ने देखा कि वो अपने कमरे में सोई हुई है, ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, और कुछ ही देर में इतने सारे इत्तेफाक होना ये भी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तारा कुछ सोचती हुई बोली, इसका मतलब अगर हम ये माने कि कोई है जो छलावा की तरह वेश बदलने की ताकत रखता है तो ये हमारे लिए बहुत टेंशन की बात है। ध्रुव, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एक और दुश्मन आ चुका है जो अभी तक हमारी नजरों से उछल है? हम समझ नहीं पा रहे कि वो दुश्मन है कौन, हमें उससे बचकर कैसे रहना है, हम ये भी नहीं जानते कि उसके निशाने पर कौन है पहले। ध्रुव कुछ सोचता हुआ बोला, बात सोचने की तो है तारा, और बात ये भी है कि एक ऐसी शक्ति जो बहुत यूनिक है उसको धारण करने वाला कोई है, तो ये और ज्यादा सोचने की बात है, लेकिन वो हमारा दुश्मन है ये भी पक्का नहीं हुआ है। विक्की ने कहा, दुश्मन नहीं है तो और क्या है, तेरे कहने का मतलब क्या है कि तेरा कोई दोस्त आया जो तेरी मदद करेगा? ध्रुव ने कहा, मैं नहीं जानता कि दोस्त आया है या क्या आया है, लेकिन दुश्मन आया है ऐसा भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि जिस तरीके से उसने पहले छलावा की मदद की और अभी अगर हमने उसे देखा है तो जाहिर बात है उसको भी अच्छे तरीके से पता हो सकता है कि हम सब नहीं भी तो छलावा यहाँ जरूर है, फिर भी उसकी तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहां से आया और यहाँ से गया उससे भी ये पक्का है कि वो बहुत ताकतवर है, तो आखिर ये सब कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई मोटिव तो जरूर होगा, अब ये मोटिव भी हमें बता सकता है,
कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन। छलावा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा दुश्मन हो सकता है। तुम्हारी सारी बात सोचने के बाद जब मैंने सोचा तब एक चीज समझ में आई, वो यहाँ सुमेर चेरी किसी की भी गैर मौजूदगी में आया है, हमारी तरह ही छुप रहा है। हो ना हो वो भी हमारी तरह ही कोई हो, जिसके दुश्मन सुमेर हो या बंजारन है, और वो समझदार भी है। उसे पता है कि चेरी ही है यहाँ सुमेर के अलावा जो इतने आराम से आ जा सकती है, इसलिए उसने चेरी का रूप धारण करना चुना। सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ उससे मिलने के लिए। आखिर पता तो चले मेरी तरह शक्ति रखने वाला वो है कौन। एपिसोड 499, रफु चक्कर। ध्रुव ने जब छलावा को इतना उत्साहित होते देखा, जिसमें छलावा अपनी जैसी शक्ति रखने वाले से मिलने को उतावला हो रहा था, तब ध्रुव बोला, फिलहाल हम तेरे पावर मेट से मिलने नहीं आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। छलावा हाँ में सिर हिलाते हुए चारों तरफ देखकर ये शोर करने के बाद कि सब ठीक है आगे की तरफ बढ़ा, बाकी सब उसके पीछे पीछे थे। छलावा ने उस चट्टान में हल्का सा धक्का दिया, जल्द ही उन्हें एक बार फिर वो घड़घड़ाहट की आवाज सुनाई थी जो थोड़ी देर पहले आई थी। इसके बाद छलावा ने जल्दी से हाथ से इशारा किया और सबको आगे की तरफ बुलाया। जब वे सभी आगे आए तो उन्होंने देखा वो चट्टान ऊपर की तरफ खुल रही थी, एक शटर के जैसे। विक्की बोला, ये क्या कमाल है। ध्रुव ने कहा, ये कोई कमाल नहीं है, जैसे कि छलावा ने बोला, ये जगह पहले सुमेर के पूर्वज जो राजा महाराजा हुआ करते थे इस्तेमाल करते होंगे अपने खजाने के लिए और कीमती चीजों के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो ये समझ लें कि ये जगह एक अलमारी है और ये चट्टान वो लॉकर जिसमें एक्सपेंसिव चीजें रखी जाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, राजा महाराजा तो ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे कि अपनी कीमती सामान की सुरक्षा के लिए जिसके बारे में कभी सोच भी ना पाए। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डेवलप थी। फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, ये चीज है जो हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ये सब भी उस जमाने में होते थे। उनका तरीका अलग था लेकिन इस्तेमाल होते थे। विक्की बोला, हाँ वो तो देखने से भी लगता है। छलावा सबको लेकर भीतर बढ़ा, जगह जगह मसाले लगे हुए थे और काफी बड़ा एरिया था। तारा ने कहा, ये जगह कितनी बड़ी है। छलावा बोला, चुपचाप आओ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वे लोग छोटे से गड्ढे के पास पहुंच चुके थे जहां एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियों से बने हुए पुल का इस्तेमाल किया गया था। अनन्या ने कहा, अब ये क्या है। लेकिन इससे पहले कि कोई उसके सवालों के जवाब देता, उन्होंने देखा चारों तरफ से ईंटों के पीछे से निकल निकल कर सांप उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो छोटे छोटे सांप बड़ी फुर्ती से इन सबके पैरों के पास आकर जमा हो गए थे। तारा बस चीखने ही वाली थी कि अनन्या ने उसका मुंह बंद किया और बोली, चीखो मत तारा। तारा धीरे से बोली, सांपों ने हमें घेर लिया है, अगर इनमें से किसी ने भी हमें काट लिया ना तो सोचो हमारा क्या होगा। ये देखने में ही कितने जहरीले लग रहे हैं, छोटे हैं लेकिन जहरीले लग रहे हैं। छलावा ने कहा, ये सिर्फ जहरीले लग नहीं रहे हैं, ये जहरीले हैं भी, लेकिन ये तब तक नहीं काटेंगे जब तक कि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ते। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो लेकिन पैर को उठाकर नहीं, अपने पैर को घसीट कर आगे बढ़ो। उन लोगों ने जैसे ही उस पुल को पार किया वो सांप वापस से पुल के निचले हिस्से में सीढ़ियों से चिपक कर कहीं छुप गए। विक्की ने कहा, अब ये क्या था। अच्छा, ये भी सुमेर के ही कोई रक्षक संरक्षक थे। छलावा ने कहा, नहीं बल्कि ये बंजारन के थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि जब वो समय में पीछे भी गए थे तब उन्होंने सांपों को ऐसे ही बंजारन के साथ देखा था। ध्रुव ने कहा, ये सब कुछ तो देखने को मिलता ही रहेगा, इन चीजों पर इतना दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ो। कुछ ही आगे जाने के बाद एक बड़ी जगह दिखनी शुरू हो गई थी। वो कोई बड़ा सा हॉल लग रहा था, पत्थरों से बना हुआ और मशाल की हल्की हल्की रोशनी। तभी उन्होंने सुना कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ध्रुव उन सबको लेकर छुप कर देखने लगा कि आवाज किसकी आ रही है और ये कौन बात कर रहा है। तभी उनकी नजर माई और ठकुराइन पर पड़ी। माई और ठकुराइन वहीं जमीन पर बैठी हुई थीं और आपस में कुछ बातें कर रही थीं। ये देखकर ध्रुव के साथ साथ बाकी सबकी भी आंखें हैरानी से बड़ी रह गई। विक्की ने धीरे से कहा, छलावा तूने तो कहा था कि चेरी ने तुझसे माई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन यहाँ तो माई देख बैठी हुई है। छलावा बोला, मुझे क्या पता, मुझे तो जो चेरी ने बताया मैं वही समझूंगा ना। ध्रुव ने कहा, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। तुम लोगों को याद नहीं भंवरी देवी ने क्या कहा था, उन्हें यहाँ पाली माई लेकर ही आई थी। बात यह है यहाँ माई सबसे पहले उस माध्यम को ढूंढने का काम कर रही है, इसलिए वो ऐसे सामने आकर तो रहेगी नहीं। तभी उन्हें माई की आवाज सुनाई थी जो ठकुराइन से कह रही थी, ये तुम पूरे होशो हवास में कह रही हो, सोच समझ कर या यूं ही बोल दिया है, क्योंकि जो तुम कह रही हो वो बहुत जोखिम भरा काम है और एक बार इसमें आगे बढ़ गए तो अपने कदम तुम पीछे नहीं हटा सकती। एक बार अच्छे से सोच समझ कर फिर बताना। तारा बोली,
ये लोग किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? विक्की बोला, हमें क्या पता, हम भी तो तुम्हारे साथ ही आए हैं। अनन्या ने उन दोनों को घूर कर देखा और होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। दोनों ही चुप हो गए और तारा ने सामने की तरफ इशारा किया। ठकुराइन जो खामोश थी, माई ने पूछा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, जाओ और अच्छे से सोच समझ लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी जवाब होगा वो मुझे बता देना, या चाहो तो अपने बेटे सुमेर से भी बात कर सकती हो, उससे भी पूछ लो। ठकुराइन ने कहा, सुमेर से क्या पूछना है इस बारे में, मुझे सुमेर की कोई राय नहीं लेनी। पहली बात तो ये कि सुमेर मना नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसी चीजों के लिए हमेशा तैयार ही बैठा रहता है। उसे जहां जो नहीं करना चाहिए वहां भी वो कर देता है, और इस बार तो उसे बैठे बिठाए ही ताकतें मिल रही हैं, तो वो भला इस चीज के लिए क्यों मना करेगा। माई ने कहा, ठीक है तो मैं बंजारन से इस बारे में बात करूंगी। ये सुनकर ठकुराइन तंज करती हुई बोली, उससे क्या बात करना है, उसे कौन सा लगाव है, उसने भी तो बस अपना मतलब निकालने के लिए उन बच्चों को जन्म दिया था, अब वो रहे ना रहे, वैसे भी वो खुद उनकी जान की प्यासी बैठी है, तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ये तो अच्छी बात है ना कि उन दोनों की शक्तियां मेरे बेटे सुमेर में स्थानांतरित कर दी जाए, ताकि वो शक्तियां किसी काम आए, वरना अगर वे दोनों यूं ही खत्म हो गए तो उनके साथ साथ उनकी शक्तियां भी बर्बाद हो जाएंगी, और शैतान की दी हुई शक्ति इतनी फालतू तो नहीं होती कि उसे यूं ही नष्ट कर दिया जाए। इससे पहले कि माई ठकुराइन की बात पर कोई जवाब दे पाती, वहां ठहाकों की आवाज गूंजने लगी, किसी औरत के हंसने की आवाज। वो आवाज इतनी तेज थी कि ध्रुव और उसके दोस्तों के कानों में चुभने लगी थी। उन सब ने अपने अपने कान पर हाथ रख लिए थे। कुछ ही देर में जब वो हंसी की आवाज थमी तो उन्होंने देखा उस गुफा के भीतर अंधेरा भरने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे काले काले बादलों ने उस पूरी गुफा को घेर लिया है, और धीरे धीरे करके वो अंधेरा सिमटने लगा और सिमट कर एक छोटे से आकार में बदल गया। उसमें से आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बंजारन की थी। बंजारन ने कहा, तुम लोगों का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन भूलना मत, तुम्हारे मकसद के पूरा होने से पहले मुझे एक शरीर चाहिए, एक आकार चाहिए। माई ने कहा, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उस माध्यम को भी ढूंढ रहे हैं जो उस द्वार को खोल सके, क्योंकि यहाँ हमारे दुश्मन हमारे बराबर के ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें हमारी शक्ति को और बढ़ाना है, इसलिए उस द्वार को खोलना बेहद जरूरी है। बंजारन बोली, शायद तुम भूल रही हो, उस द्वार को खोलना या बंद करना सिर्फ तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं है, इस द्वार के तीन रक्षक हैं, हम दोनों के अलावा भी कोई है जिसका साथ हमें चाहिए। माई ने कहा, लेकिन वो अब हमारे साथ ही नहीं है, उसने सालों पहले हमसे गद्दारी की थी जो अब तक चली आ रही है, मैंने एक बार और उसे मौका दिया था, तुम सारी बात जानती हो, हमें उसकी जगह पर किसी और को लेना होगा। ठकुराइन बोली, तुम दोनों शायद भूल रही हो कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम में से ही थी और तुमसे पहले भी आई थी, अगर तुमने मेरी शक्तियों को नहीं छीना होता तो आज मैं सर्वाधिक शक्तिशाली होती, अभी भी वक्त है, मुझे मेरी शक्तियां लौटा दो तो वो तीसरी चाबी मैं बन सकती हूँ। बंजारन ने कहा, जब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारी शक्तियां नहीं लौटा सकती, और मैं चाहकर भी श्राप से मुक्त नहीं होना चाहती। ठकुराइन झल्लाते हुए बोली, और तुम्हारे पास कोई रास्ता है? बंजारन ने कहा, है एक रास्ता, वो रास्ता छलावा से होकर जाता है, छलावा की सारी शक्तियां जागृत हो जाए तो हम काले साम्राज्य से समझौता कर सकते हैं, उस समझौते के तहत छलावा को कुछ विशेष शक्तियां दी जाएंगी ताकि उस द्वार को खोलने में छलावा हमारी मदद कर सके। ठकुराइन ने कहा, तो छलावा क्यों, मेरा बेटा सुमेर क्यों नहीं, वो छलावा से कम शक्तिशाली नहीं है? माई ने कहा, क्योंकि तुम्हारा बेटा एक मामूली इंसान और अकाया का बच्चा है, उसने जो भी शक्तियां पाई हैं वो उसने बाद में अर्जित की है, वरना वो मामूली इंसान है, इसलिए वो माध्यम तो बन सकता है लेकिन कुंजी नहीं बन सकता, कुंजी छलावा ही बन सकता है, जैसे कि बंजारन ने कहा उसके भीतर जन्मजात शक्तियां हैं और वो शैतानी अंश है। ठकुराइन के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी दोनों बार बार आ जा रहे थे, ये बात ध्रुव और बाकी सब भी गौर कर रहे थे, हालांकि उन्होंने जो कुछ भी सुना था वो सब उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था, लेकिन इन चीजों के लिए अपने आप को तैयार करके ही आए थे कि यहाँ कभी भी कुछ भी सुनने को और देखने को मिल सकता था। तभी बंजारन की आवाज आई, अब जाओ यहां से और मुझे जल्द से जल्द एक नया शरीर दिलाओ, मैं अब इस जगह पर नहीं रह सकती, अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई का, और उसके लिए मेरा यहाँ से बाहर आना बेहद जरूरी है, ढूंढो एक शरीर को, ढूंढो मेरे लिए। धीरे धीरे करके वो काला साया वहां से हट गया, और उसके छटते ही ध्रुव ने अपने दोस्तों से आंखों ही आंखों में वापस चलने का इशारा किया, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि बंजारन के जाने के बाद अब माई और ठकुराइन भी यहां से निकलेंगे, और वो समझ सकती थी कि यहां पर कोई है। छलावा ने फुर्ती दिखाई और अपने दोस्तों को लेकर वहां से निकल गया।
सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित करके वे उसी खिड़की के रास्ते से हवेली के पीछे भी आ गए थे। उन सब की सांसें बड़ी तेज चल रही थी और पसीने से लथपथ हो रहे थे। वो सब बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी के होठों से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था कि आखिर क्या बोला जाए, क्योंकि समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। छलावा हैरानी से ध्रुव की तरफ देख रहा था। ध्रुव उसके भाव को समझ रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और थपकी देता हुआ बोला, तू टेंशन मत ले, मेरे होते हुए तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छलावा ने कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है या नहीं, मुझे चिंता इस बात की है कि अगर बंजारन को शरीर मिल गया तो क्या होगा, अगर सुमेर इन लोगों का माध्यम बन गया तो क्या होगा। विक्की ने कहा, इन सब का कोई भी मतलब तब निकलेगा जब तू उनके लिए काम करे। तूने सुना ना बंजारन ने क्या कहा, कि तू अनन्या की जगह उनकी कुंजी बन सकता है, लेकिन अगर जब तू ही इस चीज को नहीं करेगा तो आखिर सुमेर के माध्यम बनने से या बंजारन को शरीर मिलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी उनके सामने और दरवाजे को खोलना ही एक लक्ष्य है और इसके लिए उन्हें तेरी जरूरत है। ध्रुव ने कहा, नहीं, सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि तेरी सारी शक्तियों को जागृत करते हुए उन्हें काले साम्राज्य से समझौता करना होगा, तुम्हें विशेष शक्तियां दिलाने के लिए। मुझे कुछ अच्छाई दिखाई दे रही है। छलावा ने कहा, कैसी अच्छाई। ध्रुव बोला, तुम्हारी जो शक्तियां अभी तक तुम्हें खुद ही पता नहीं चली हैं कि उन्हें कैसे जागृत करना है, मुझे लगता है उन शक्तियों को जागृत करने में वो लोग खुद तुम्हारी मदद करेंगे, और अगर दुश्मनों से मदद लेकर कुछ अच्छा होता है तो अच्छा होने में क्या बुरा है। विक्की ने कहा, लेकिन ध्रुव, कहीं इसके ऊपर फिर से कोई जादू टोना कर दिया तो क्या गारंटी है किस किस से शक्तियां ही जागृत होंगी। अभी उन्होंने कहा ना कि वो लोग काले साम्राज्य से समझौता करेंगे, तो अगर वहां से इसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा तो, इसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। ध्रुव के होठों पर बड़ी शांति भरी मुस्कुराहट आ गई। विक्की ने कहा, तू मुस्कुरा क्यों रहा है, ये टेंशन की बात है। तारा ने विक्की को रोकते हुए कहा, विक्की तुम शायद भूल रहे हो, ये ध्रुव है, अगर ये मुस्कुराहट है तो जरूर कोई बात होगी। ध्रुव प्लीज सस्पेंस मत बढ़ाओ, बताओ ना तुम क्या सोच रहे हो। ध्रुव ने कहा, ये छलावा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उसको बहकाकर ही ले जाएंगे, उसकी शक्तियां जागृत करवाएंगे। अच्छी बात है, और रही बात काले साम्राज्य के साथ समझौता और इसके साथ कुछ बुरा होने का, तो मैं लगातार इसके पीछे साए की तरह रहूंगा। जैसे ही इसकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी हम वहां से रफू चक्कर, उनके हाथ ही नहीं लगना है, और फिर उन्हीं की जागृत करवाई हुई शक्तियों से उन्हीं का मुकाबला किया जाएगा, ये होगा असली वार। एपिसोड 500, छलावा की खुशी। ध्रुव के आइडिया पर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ध्रुव ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विक्की ने कहा, तुझे नहीं लगता ये भगोड़ा वाली बात है, मतलब ये चीटिंग होगा, पहले अपना काम निकाल लो और फिर भाग जाओ। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, चोर के घर चोरी कभी चोरी नहीं कहलाती, और भलाई के लिए बोला गया झूठ कभी झूठ नहीं होता, वैसे ही सच्चाई और मानवता के लिए किया गया कोई भी काम जो बुराई के खिलाफ हो वो गलत नहीं हो सकता, और चीटिंग तो कतई नहीं। विक्की ने कहा, इसे कहते हैं चालूपंथी, सही में मैं हमेशा से बोलता हूँ तू देवदत्त से अलग है, तेरे भीतर इतनी चालूपंथी है कि ये तुझे स्पेशल बनाता है। ध्रुव ने कहा, अगर हम यहीं खड़े रहकर बातें करते रहे और माई ठकुराएं या सुमेर किसी की भी नजरों में आ गए तो यकीन मान मेरी कोई चालूपंथी हमें नहीं बचाएगी, और ना ही कोई स्पेशल चीज मुझसे निकल कर आएगी जो हम सबको बचाएगी, तो फिलहाल के लिए सबसे स्पेशल चीज यही है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से निकलने के बाद जो पूछना है वो पूछना, लेकिन अभी नहीं। ध्रुव की बात पर सब मुस्कुरा उठे और दीवारों की सहायता से ही दूसरी तरफ जाकर वहां से निकल आए। उन सब के निकलते ही उस खिड़की के पास एक काली परछाई नजर आई जो अंधेरे में कहीं खो गई। वो रात लगभग खत्म हो चुकी थी। घर पहुंचकर सबकी तुरंत आंख लग गई और उनकी आंखें खुली दरवाजे पर हुई दस्तक से। जब ध्रुव ने उठकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि जुल्मी के साथ रूप खड़ी है और जुल्मी नाराज लग रहा है। ध्रुव ने कहा, क्या हो गया, तो इतनी सुबह सुबह, वो भी इनके साथ और इतनी नाराजगी में, सब ठीक तो है। जुल्मी ने कहा, छलावा के घर गए थे, वहां मिला नहीं, यही होगा पड़ा हुआ। ध्रुव ने कहा, हाँ वो रात में यही रुक गया था। जुल्मी बोला, उसे बाहर बुलाओ। ध्रुव ने कहा, लेकिन हुआ क्या है, दरअसल हम सब रात में देर से सोए थे तो वो सो रहा है। जुल्मी ने कहा, चोटा हमारी साली को घर छोड़ने के बहाने उसका मोबाइल चुरा लिया। ध्रुव बोला, क्या क्या बकवास कर रहे हो जुल्मी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, भला छलावा तुम्हारी साली का मोबाइल क्यों चुराएगा,
और तुम जानते हो उसको इन फालतू चीजों का शौक ही नहीं है, वरना ऐसा तो नहीं है कि वो अपने लिए मोबाइल नहीं ले सकता। कुछ तो सोच समझ कर बोलो कि किसके सामने किसके बारे में क्या बोल रहे हो। वो दोस्त है हमारा और तुम अपनी साली के सामने उसको ऐसे इंसल्ट कर रहे हो। जुल्मी चिढ़ता हुआ बोला, इंसेंट नहीं कर रहे हैं। तभी विक्की कमरे से निकल कर आया और उबासी लेता हुआ बोला, वो इंसेंट नहीं इंसल्ट होता है जो ध्रुव ने अभी अभी कहा। वैसे एक बात बता, तू इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि छलावा ने तेरी साली का फोन चुराया है? जुल्मी बोला, रूप ने खुद बताया, आज सुबह जब उठी तो उसको अपने घर फोन करना था लेकिन उसका फोन था ही नहीं। तब उसने बताया तो उसका सारा सामान छलावा के हाथ में था और उसके बाद से अब तक उसने अपना सामान देखा ही नहीं था, और अब जब उसने अपना सामान देखा तो उसका फोन गायब था, तो और कौन हो सकता है? विक्की ने कहा, हो सकता है बस में या टैक्सी में जिससे भी आई हो वहाँ छूट गया हो। रूप जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि जुल्मी बोला, तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये लोग छलावा का साइड ले रहे हैं, हम है ना, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, हम तुम्हारा मोबाइल निकलवा कर रहेंगे। अरे ऐसे ऐसे बहुत मोबाइल निकलवाए हैं हम, विक्की टोंट करते हुए बोला। हाँ, पहले रेलवे स्टेशन पर पॉकेटमारी का काम करता था ना, तो बहुत मोबाइल निकलवाने की आदत है इसको। तब तक छलावा के साथ साथ अनन्या और तारा भी अपने कमरे से निकल कर आ चुके थे। छलावा ने जैसे ही रूप को देखा मुस्कुराते हुए आगे आया, उसको गौर से देखते हुए बोला, रूप जी आप यहाँ इतनी सुबह सुबह, आप मुझे बुला लेती मैं आ जाता, आपने क्यों तकलीफ की? ऐसे भी बाहर बहुत धूप हो गई है, इतनी धूप में आपका ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है। छलावा की बातों पर ध्रुव, विक्की, तारा, अनन्या सब आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें छलावा से इस तरह की बातों की उम्मीद ही ना हो, या ये छलावा नहीं उसके वेश में कोई और ही हो जो ऐसी बात कर रहा है। विक्की ने धीरे से ध्रुव के कान में कहा, लगता है इसको धतूरा खिला दिया गया, ये कैसी बात कर रहा है, अपने नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहा है ये, इतनी मीठी मीठी बातें कब से करने लगा। ध्रुव ने कहा, सही इंसान के सामने कोई मीठी मीठी बातें करता है, अब तेरे सामने ऐसी मीठी मीठी बातें करते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा, अब चुप रहे। तभी छलावा का ध्यान बाकी सब पर गया और वो हिचकिचाते हुए बोला, अब नहीं मेरा मतलब था कि अचानक सुबह सुबह, वैसे क्या बात है, और जुल्मी तुम भी यहाँ हो? जुल्मी ने अपने कमर पर हाथ रखा और छलावा को घूरते हुए कहा, तो हम तुमको दिख गए, हमको लगा कि रूप के आगे बाकी सब अंधेरा हो गया, तुम हमको देख ही नहीं पाए हो, चलो अच्छा है तुम्हारी दृष्टि सही सलामत है, अब चलो रूप का मोबाइल निकाल कर दो। इस बात पर छलावा हैरान होकर बोला, मोबाइल, कैसा मोबाइल, मैं किसी मोबाइल के बारे में नहीं जानता। जुल्मी ने कहा, हाँ हाँ देखो तो कितना भोला बन रहा है, अरे रूप का मोबाइल तुमने ही लिया है, इसका सामान तुम ही लेकर आ रहे थे ना, उसके बाद से उसका मोबाइल नहीं मिल रहा है। देखो छलावा, हम ये तो नहीं कहते कि तुम चोरी करने के इरादे से इसका मोबाइल लिए हो, लेकिन हाँ। इतना कहकर जुल्मी चुप हो गया और फिर छलावा का हाथ पकड़ कर किनारे में ले गया और बोला, जैसे तुम ललायत नजरों से उसको देख रहे हो ना, हम समझ रहे हैं तुम इसके बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए उसका फोन ले गए हो, अरे हम बहुत जानकार हैं इन सब मामलों में, हमको पता है कि लोगों के फोन में सारी चीज रहती है और एक फोन ही वो माध्यम है कि किसी के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। सच सच बताओ, तुम रूप के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसका मोबाइल लिए हो ना? छलावा मासूमियत से बोला, कि तुम कैसी बात कर रहे हो जुल्मी, मोबाइल फोन में मुझे फोन उठाने और काटने के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं आती, वो भी बटन वाले फोन में तो भी कर लेता हूँ कुछ कुछ, और ये बड़े वाले फोन में तो मुझे कुछ भी नहीं आता। तुम कह रहे हो कि मैंने फोन चुराया होगा, बचपन से जानते हो तुम मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसी कोई ओछी हरकत करते देखी है? और रूप तो फिर भी तुम्हारी साली है, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के साथ मैं ऐसी कोई हरकत करूंगा? उन दोनों की बहस बढ़ने लगी थी, तभी रूप जोर से बोली, एक मिनट चुप हो जाइए, आप लोग मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। विक्की बोला, हाँ हाँ अब आप भी बोलिए, आप बोलेंगे तभी तो और मजा आएगा, हमारा क्या है, हमारा तो सुबह सुबह मस्त एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अनन्या ने विक्की को डांटते हुए कहा, ये कैसी बात कर रहे हो विक्की, तुम्हें ये मजाक लग रहा है, जुल्मी छलावा पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, हंसी मजाक नहीं है ये। रूप ने कहा, मैं वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ, कोई मेरी बात सुने तब तो। उसके बाद रूप बोली, जुल्मी जीजा जी मैंने झूठ बोला था। ये सुनकर जुल्मी के साथ साथ सब एक साथ चौंक कर बोले, क्या झूठ बोला मतलब? जुल्मी ने कहा, क्या झूठ? रूप ने कहा, दरअसल मेरा फोन तो मेरे पास ही है। इतना कहकर उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला और सबको दिखाया। ये देखकर सब नाराजगी से रूप को घूर कर देखने लगे, खासकर जुल्मी। जुल्मी ने गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है रूप, तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है
और तुम्ही ने कहा ना हमको कि तुम्हारा फोन चोरी हो गया है और तुमको शक है कि छलावा तुम्हारा फोन चुरा लिया है। तुम्हारे कहने पर हम सुबह सुबह तुमको लेकर छलावा के घर पर गए, वहां से हम यहाँ आए और यहाँ जो कुछ भी हुआ, इतना सब होने के बाद भी तुम चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। रूप ने कहा, मैं वो बोलने वाली थी लेकिन उससे पहले आप शुरू हो गए, उसके बाद आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। जुल्मी ने कहा, तो अब बोलो कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला। रूप ने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने सोचा कि छलावा जी मुझे रात में छोड़ने भी आए थे और फिर उनको मैं अच्छे से थैंक यू भी नहीं कर पाई थी, तो मुझे उनसे मिलकर थैंक यू भी बोलना था और आज घर पर खाने के लिए भी इनवाइट करना था। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ही थैंक यू कहते हैं किसी को लंच या डिनर पर बुलाकर, तो ऐसे अगर मैं आपको कहती तो शायद आप मना कर देते और आप क्या सोचते कि मैं क्यों छलावा जी से मिलना चाहती हूँ। इसीलिए बस मैंने ये बहाना बनाया ताकि इसके बहाने ही सही आप मुझे उनके घर तक ले जाएंगे, और देखिए मुझे उनके घर का भी पता चल गया और यहाँ का भी पता चल गया जहाँ वो अक्सर मिल जाते हैं। कोई काम होगा मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। रूप की बात पर सब हैरान से बस उसकी तरफ देखते जा रहे थे, जैसे किसी को यकीन नहीं था इन सब पर। जुल्मी गुस्से से बौखलाता हुआ बोला, तुमको ये सब मजाक लग रहा है? तुमको पता है छलावा हमारा बचपन का दोस्त है, तुम्हारा बात में आकर हम क्या बोले तुमसे? अब छलावा भाई हमको माफ कर दो, हमको खुद सोचना चाहिए था, हम बहुत शर्मिंदा हैं। ध्रुव ने कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था जुल्मी, लेकिन तू तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। जुल्मी ने कहा, हम मानते हैं हमारा गलती है, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं, हम तुम सबसे भी माफी मांगते हैं, सुबह सुबह जो हमारे वजह से परेशानी हुआ है तुमको। छलावा ने कहा, कोई बात नहीं जुल्मी, मैं समझ सकता हूँ, किसी को भी ऐसा ही लगता, और रूप जी अगर आपको मुझसे मिलना ही था तो आप सीधा बोल देती ना जुल्मी से। वैसे भी जुल्मी और सजनी तो हमसे रोज ही मिलते हैं, उसके लिए आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप नहीं जानती है एक छोटे से झूठ से बड़े से बड़ा रिश्ता टूट जाता है, और यही हो सकता था मेरे और जुल्मी के साथ। हम बचपन के दोस्त हैं और हो सकता है इस वजह से हमारे मन में मनमुटाव आ जाता। रूप ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा कुछ गलत नहीं था, मैंने मजाक में ये सब कुछ किया। छलावा ने कहा, कोई बात नहीं लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। रूप बोली, तो आपने मुझे माफ कर दिया? छलावा ने कहा, हाँ कर दिया। रूप बोली, तो फिर आप आज खाने पर आएंगे ना? छलावा ने कहा, हाँ बिल्कुल। रूप मुस्कुराते हुए छलावा को एकटक देखने लगी और छलावा भी एकटक रूप को देखे जा रहा था। विकी ने गला साफ करते हुए कहा, वैसे अगर खाना कुछ ज्यादा बन गया हो तो यहाँ और भी लोग हैं जो आ सकते हैं खाने पर, खाने को मना नहीं करते। रूप हंसते हुए बोली, हाँ हाँ आप सब भी आइएगा, आखिर हमें भी तो हमारे जीजा जी के दोस्तों से मिलने का मौका मिलना चाहिए, अभी हम लोग चलते हैं खाने पर मिलते हैं। इतना कहकर रूप जुल्मी के साथ चली गई। छलावा दरवाजे तक रूप को छोड़कर आया लेकिन उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। तारा और अनन्या छलावा के दोनों तरफ खड़ी हो गई और एक साथ बोली, बंद हो गई दिखनी। नहीं, वो पेड़ नहीं होता तो और दूर तक दिखती। छलावा ने कहा, सही कह रही हो, उस पेड़ की वजह से दूसरी तरफ कुछ दिख नहीं रहा है। इतना कहते हुए एकदम से ध्यान आया कि अनन्या और तारा उसका मजाक उड़ा रही हैं। छलावा शर्माता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तारा ने कहा, हमने कब कहा कि ऐसा वैसा कुछ है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, क्यों अनन्या? अनन्या बोली, हाँ बिल्कुल हमने कहा कुछ कहा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे गालों पर ये जो टमाटर जैसी लाली आई है, ये बाहर रूप की वजह से आई है या कुछ और बात है? छलावा घर के अंदर घुसता हुआ बोला, क्या बात है, बात बात क्या होगा, कुछ भी तुम लोग बोलते हो, कुछ बात नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, नहाना धोना भी तो है। विकी ने मजाक करते हुए कहा, धोने का तो पता नहीं लेकिन नहाना तो तुझे पड़ेगा ही, आज तुझे खाने पर बुलाया गया है, तेरे पास वो नीले कलर की जो शर्ट है ना, वो पहनना, उससे तो कुछ ज्यादा ही निखर कर आता है। छलावा एकदम से बोला, सच में? ठीक है, मैं अभी जाकर उस पर इस्त्री कर लेता हूँ। छलावा की बात पर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे और छलावा एक बार फिर शर्मा गया। ध्रुव आगे आया और उसने छलावा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख इसमें कुछ बुराई नहीं है, लड़की अच्छी है, जुल्मी के सजनी के रिलेशन में है, और तू तो खैर उस पर लट्टू हुआ ही पड़ा है, उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं करना, और मुझे लगता है उसे भी तू पसंद आया है, आना भी चाहिए, तू है ही ऐसा। छलावा ने कहा, लेकिन मैं वो, हम दोनों ही बहुत अलग अलग हैं, तो ऐसे में। तारा ने छलावा को समझाते हुए कहा, कोई अलग नहीं है छलावा, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, वहां तुम्हारे पास नॉर्मल इंसान से कुछ ज्यादा स्पेशल चीजें हैं,
बस और कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि तुम इंसानों की तरफ फीलिंग नहीं रखते हो, तुम्हें दर्द नहीं होता है, ऐसा नहीं है ना? वैसे भी अभी अभी तो मिले हो, अभी एक दूसरे को टाइम दो, अभी बहुत वक्त है आगे का सोचने में। फिलहाल ये सफर बहुत खूबसूरत होता है, तो हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। विकी ने कहा, हाँ सच में मुझे तो टेंशन होने लगी थी कि जुल्मी की तो शादी हो गई, ध्रुव और अनन्या भी सेटल हो जाएंगे टाइम आने पर, मैं और तारा भी सेटल हो जाएंगे, कहीं तू अखंड कुमारा रह गया तो हम सब हंसों के जोड़े के बीच में तू अकेला कौवा लगेगा। छलावा ने घूर कर विकी को देखा और विकी हंसते हुए छलावा के गले लग गया और बोला, सच में मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ। छलावा मन में बोला, खुशी तो मुझे भी एक महसूस हो रही है, एक ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन डर लग रहा है अपने नसीब से। परिवार और प्यार के मामले में जैसा मेरा हिसाब किताब रहा है पिछले समय में, आने वाले समय में, उन चीजों में मुझे बहुत घबराहट हो रही है।